मुमकिन लगे, वही मौका होता है करतब दिखाने का। दो चोरियां, चोर दोनों बार हिंदी में लिख के गए। जोकर का मास्क छोड़ के अगर उसे पकड़ना है तो हम उसे चोरी करवाएंगे फिर से। वी मेक हिम रॉब अगेन। मस्खरा, मजाकिया, विदूषक, जोकर, क्लाउन, ये सब हमारे नाम है। लेकिन क्लाउन बनना सीरियस काम है, क्योंकि मस्खरे का खेल धोखे का खेल होता है। ऑडियंस को लगता है कि जीत उनकी हो रही है, लेकिन जीतते हम हैं हमेशा। चोर और पुलिस की सिर्फ दुश्मनी होती है। सर्कस वाला सिर्फ आंखों को नहीं, मौत को धोखा देते हैं रोज। बंदे हैं हम उसके, हम पे किसका जोर। गैंग के लोग पूरे शहर में कहीं भी हो सकते हैं। इन्हें सिर्फ रंगे हाथ पकड़ा जा सकता है, क्योंकि यहां से निकल के ये लोग कौन बन जाते हैं हम नहीं जान पाएंगे। मेरी वर्दी पे मेडल बहुत लगे, पर दाग सिर्फ एक। राजवीर नंदा, इंटरनेशनल क्रिमिनल, mentally unstable. पता नहीं कौन है, कहां है, सिर्फ उसका नाम पता है, डेविल। मुझे साइकियाट्रिक हेल्प की जरूरत है। प्लीज, मुझे मना मत करो।
कौन सोच सकता है, छह लूजर्स एक डांस कॉम्पिटिशन में डांस करने के बजाय करोड़ों रुपए के हीरे चुराएंगे। आजकल इज्जत मांगने से नहीं मिलती, छीननी पड़ती है। ये रेस जिंदगी की रेस है, किसी की जिंदगी लेके ही खत्म होगी। पैदा तो मैं भी शरीफ हुआ था, पर शराफत से अपनी कभी नहीं बना। जरा हम भी तो देखें कि हमसे बड़ा शैतान कौन पैदा हो गया। धूम फ्रेंचाइजी में खलनायक को इस तरह पेश किया जाता है कि दर्शकों की सारी सहानुभूति खलनायक के साथ होती है। हीरो की भूमिका चरित्र कलाकार जैसी होती है। धूम 3 के खलनायक को नायक जैसा पेश किया गया है, क्योंकि उसके पास कारण है कि वह गलत काम क्यों कर रहा है। यह कारण दरअसल एक इमोशनल कहानी है, और यही बात धूम 3 को इस श्रृंखला की पिछली फिल्मों से अलग करती है। पिछली फिल्मों से इमोशंस की कमी महसूस की गई थी, जिसे इस कड़ी में पूरा किया गया है। यह निर्देशक की कामयाबी है कि दर्शकों को भावात्मक रूप से यह फिल्म पहले 10 मिनट में ही जोड़ लेती है। जब इकबाल यानी जैकी श्राफ शिकागो स्थित अपने ग्रेट इंडियन सर्कस को बैंक के कर्जे से बचाने की कोशिश करता है, यहीं पर दर्शक इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि साहिर यानी आमिर खान के पिता के साथ गलत हुआ है, और साहिर बड़ा होकर गलत राह पर क्यों चल रहा है। इस बात को अच्छी तरह स्थापित कर दिया गया है। बैंक कर्ज वसूली में शक्ति दिखाता है, तो मासूम साहिर के सामने उसके पिता आत्महत्या कर लेते हैं। यही से साहिर और बैंक के बीच दुश्मनी हो जाती है, और वह बड़ा होकर बैंक को बर्बाद करने के मिशन में जुट जाता है। यह बात पता चल जाती है कि बैंक को बर्बाद करने वाला एक भारतीय है, तो भारत से 2 पुलिस ऑफिसर अभिषेक बच्चन और उदय चोपड़ा भेजे जाते हैं। फिर शुरू होता है चोर और पुलिस के बीच चूहे बिल्ली का खेल। फिल्म की कहानी सामान्य है, लेकिन इसे असाधारण बनाता है महंगे लोकेशन, शानदार सेट्स, जबरदस्त सिनेमेटोग्राफी। वैसे धूम सीरीज की फिल्मों में कहानी से ज्यादा महत्वपूर्ण स्टाइल और स्टंट है। पहला हाफ फिल्म को इतनी ऊंचाइयों पर ले जाता है कि यह स्टंट और तकनीकी रूप से हॉलीवुड फिल्मों को टक्कर देती है। एक के बाद एक आइटम पेश किए जाते हैं। आमिर खान जबरदस्त तरीके से एंट्री लेते हैं, ऊंची बिल्डिंग की दीवार से वे उतरते हैं और सड़क पर डॉलर्स की बारिश होती है। फिर आता है एक चेंजिंग सीन जो धूम सीरीज की फिल्मों की खासियत होती है। अत्याधुनिक BMW बाइक पर बैठे साहिर जब पुलिस को नचाता है तो दर्शकों की सांसें थम जाती हैं। जय और अली की एंट्री के लिए भी एक्शन सीन गढ़ा गया है, जो सिर्फ फिल्म की लंबाई बढ़ाता है। फिल्म की हीरोइन कटरीना कैफ भी फिल्म में धमाकेदार एंट्री करती हैं। कमली गाने पर उनका डांस काबिले तारीफ है। जय अली और साहिर के बीच वाला चेंजिंग सीन फिल्म का प्रमुख आकर्षण है। इस सीन को अद्भुत तरीके से शूट किया गया है। इस सीन में जय गोली चलाता है तो साहिर की पीठ पर लगती है। कुछ देर बाद साहिर को गिरफ्तार करने जय उसके सर्कस में पहुंचता है, तो यह जानकर दंग रह जाता है कि साहिर की पीठ पर किसी भी किस्म का चोट का निशान नहीं है। जय के साथ दर्शक भी चौंकते हैं कि यह रहस्य क्या है, और यहीं पर इंटररोल होता है। इंटररोल के बाद हाफना ज्यादातर फिल्मों की कमजोरी है, और धूम 3 भी इसका शिकार है। एक्शन और स्टंट से फोकस हटकर ड्रामे पर आ जाता है, और स्क्रिप्ट की कमजोरियां उभरने लगती हैं। रहस्य पर से पर्दा हटाया जाता है, जो कई तरह के सवालों को जन्म देता है, जिसके संतोषजनक उत्तर नहीं मिलते हैं। कहानी में रोमांटिक ट्रेन को जबरन घुसेड़ा गया है, जिसकी जगह ही नहीं बनती है। साहिर का कड़ी सुरक्षा के बीच हर बार आसानी से बैंक में घुसना हैरत में डालता है। फिल्म के दूसरे हाफ में एक्शन की कमी महसूस होती है। इन सब कमियों के बीच एक अच्छी बात यह है कि बोरियत नहीं होती, ड्रामे में दिलचस्पी बनी रहती है। उम्मीद रहती है कि क्लाइमैक्स में जबरदस्त एक्शन देखने को मिलेगा, लेकिन अपेक्षा से कम देखने को मिलता है। फिल्म का निर्देशन किया है विजय कृष्ण आचार्य ने, उन्होंने धूम सीरीज के सारे भाग लिखे हैं। टसन जैसी भुला देने लायक फिल्म वे निर्देशित कर चुके हैं। इसके बावजूद फिल्म के निर्माता आदित्य चोपड़ा ने उनको यशराज फिल्म की सबसे महंगी फिल्म निर्देशित करने का जिम्मा दिया। विजय का काम एक्शन डायरेक्टर और कोरियोग्राफर ने काफी आसान कर दिया। ड्रामे वाले हिस्से को संभालने में विजय थोड़ा लड़खड़ाए हैं। आमिर खान के फिल्म से जुड़ने से दर्शकों की अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। आमिर खान के किरदार के बारे में ज़्यादा बात इसलिए नहीं की जा सकती है, क्योंकि इससे फिल्म के रहस्य से पर्दा हट जाएगा। जहां तक अभिनय का सवाल है, तो आमिर ने अपना काम गंभीरता से किया है, लेकिन उनसे और बेहतर की अपेक्षा थी। धूम जैसी फिल्मों के किरदार को जो ग्लैमर चाहिए था, उसमें आमिर थोड़ा कमजोर पड़ गए। कैटरीना कैफ डोड़ बाडी में बेहद खूबसूरत नजर आई, लेकिन उनका रोल बेहद छोटा है। निर्देशक उनके ग्लैमर का पूरा उपयोग नहीं कर पाए। अभिषेक बच्चन और उदय चोपड़ा
अपने किरदारों को उसी अंदाज में बढ़ाते नजर आए। जैकी श्रॉफ छोटे रोल में छाप छोड़ते हैं। प्रीतम का संगीत औसत किस्म का है, लेकिन गानों का फिल्मांकन आंखों को राहत देता है। मलंग और कमली की कोरियोग्राफी बहुत बढ़िया है। जूलियस पैकियम का बैकग्राउंड स्कोर उम्दा है। सुदीप चटर्जी की सिनेमाटोग्राफी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की है, जो फिल्म को भव्य लुक देती है। एक्शन और स्टंट हॉलीवुड फिल्मों की टक्कर के हैं। धूम 3 5 में से 3 अंक के लायक है, लेकिन सिनेमाटोग्राफी, लोकेशन और बाइक थ्रिल के कारण आधा अंक अतिरिक्त दिया गया है। धूम सीरीज का तीसरा भाग धूम 3 का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। भारत की यह महंगी फिल्मों में से एक है और बॉलीवुड को उम्मीद थी कि यह फिल्म आय के मामले में अब तक के सारे कीर्तिमानों को भंग कर देगी। इस बार आमिर खान और कैटरीना कैफ को स्टार कास्ट में जोड़ा गया था। फिल्म की कहानी फिर इस बार चोर बनाम पुलिस है, लेकिन एक नए और निराले अंदाज के साथ। तकनीकी और एक्शन का तड़का इस फिल्म को भव्य बनाता है। यह कहानी है साहिर यानी आमिर खान की, जिसकी ऊर्जा उसे खतरनाक, उग्र और भयंकर बनाती है। वह किसी को माफ नहीं करता। वह एक ऐसा चोर है जो अपनी राह में डोरा बनने वाली हर चीज़ को नष्ट कर देता है। धूम 3 कहानी है आलिया ने कैटरीना कैफ की, जो बेहद सरल है, लेकिन सर्कस में परफॉर्म करते एकदम बदली हुई नजर आती है। निडर आलिया जब सर्कस में परफॉर्म करती है तो लगता है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम ही नहीं है। दिल के मामले में वह इतनी ही निडर है। धूम 3 कहानी है जय दीक्षित यानी अभिषेक बच्चन की, जो मुंबई का एक चतुर, दृढ़, निश्चयी, विश्लेषणात्मक और ज़बरदस्त पुलिस ऑफिसर है। जय अपने विरोधों को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उसका मानना है कि दुश्मन को जाल में फंसाने के लिए कभी कभी दुश्मन की तरह सोचना पड़ता है। धूम 3 कहानी है अली अकबर यानी उदय चोपड़ा की, जो मनोरंजन का खजाना है। यह अनिच्छुक पुलिस वाला नागपाड़ा से नियाग्रा फॉल तक कहीं पर भी मिल सकता है। फैमिली वाला बनना चाहता है और उसे लड़की की तलाश है। दिल हथेली पर लेकर घूमने वाला अली सुंदर लड़की दिखी नहीं कि दिल दे बैठता है। इन किरदारों के इर्द गिर्द धूम 3 की कहानी घूमती है, जो रोमांस से भरपूर है। धूम 3 2013 की बहुप्रतीक्षित हिंदी फिल्म है, जिसे विजय कृष्ण आचार्य ने निर्देशित किया है। धूम का पहला संस्करण 2004 में, जबकि धूम 2 2006 में रिलीज हुई थी। यह दोनों ही फिल्में सुपरहिट रही थी। पहली धूम में जॉन अब्राहम और दूसरी में ऋतिक रोशन ने खलनायक की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म की लागत थी 150 करोड़ रुपये और इसकी कुल कमाई हुई थी 542 करोड़ रुपये। फिल्म में आमिर खान ने नकारात्मक किरदार निभाया है, जो चालाकी से चोरी करता है। यह फिल्म आईमैक्स के फॉर्मेट में विश्व स्तर पर हिंदी, तमिल एवं तेलुगु भाषा में प्रदर्शित की गई थी। धूम 3 भारत में आईमैक्स फॉर्मेट में प्रदर्शित होने वाली पहली फिल्म है। यशराज फिल्म्स की बनाई हुई इस फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 280 करोड़ रुपए की कमाई की थी। धूम फिल्म 1990 से शुरू होती है, जहां इकबाल हरुख खान यानी जैकी श्रॉफ शिकागो के ग्रेट इंडियन सर्कस का सर्कस चलाता है। सर्कस बहुत ही खराब वित्तीय हालत से गुजर रहा होता है, जिस कारण इकबाल पर बहुत ज्यादा कर्जा होता है। वेस्टर्न बैंक ऑफ शिकागो, जिससे इकबाल ने कर्जा लिया है, कर्ज न चुकाने के कारण सर्कस को बंद करवाने के लिए अपने प्रतिनिधियों को भेजता है। इकबाल उनसे विनती करता है कि मेरा शो देखो, अगर आपको पसंद आए तो कर्ज चुकाने के लिए कुछ और मोहलत दे देना। प्रतिनिधि उसका शो देखने के बाद भी सर्कस को बंद कर देने का आदेश देते हैं। इकबाल का छोटा सा बेटा साहिर उनसे विनती करता है, पर वो नहीं मानते हैं। इकबाल बैंक वालों तुम्हारी माँ की ऐसी की तैसी कहकर सबके सामने आत्महत्या कर लेता है, जिससे उसका छोटा सा बेटा झकझोर जाता है। कई सालों बाद साहिर ने आमिर खान अब भी वो घटना नहीं भूला है और वो बैंक वालों से बदला लेने की ठानता है। वो कई वेस्टर्न बैंक ऑफ शिकागो की शाखाओं में चोरी करता है और हिंदी में बैंक वालों तुम्हारी ऐसी की तैसी लिखकर अपनी सर्कस वाली कलाबाजी इस्तेमाल करके भाग जाता है, क्योंकि शिकागो पुलिस उसे नहीं पकड़ पा रही और उन्हें हिंदी भी नहीं आती। इसलिए वो भारतीय पुलिस से ACP जय दीक्षित यानी अभिषेक बच्चन और उसके सहयोगी अली यानी उदय चोपड़ा को मदद के लिए बुलाते हैं। जय साहिर को फंसाने के लिए जानबूझकर ये बात फैला देता है कि वो ये केस संभाल रहा है और उसे लगता है चोर जरूर कोई शौकिया है। इससे साहिर चोरी करने की ठानता है। वो एक समाचार चैनल से इस योजना के बारे में जानकारी इकट्ठा करता है और जय के लिए मुखबिर बनने का नाटक करता है। इस तरह बैंक के बारे में जानकारी इकट्ठा कर लेता है और जय को एक सुराग देता है पीछे जाने के लिए। अंततः साहिर बैंक में चोरी कर लेता है और मोटरसाइकिल पर भागने लगता है। जय उसको गोली मारता है, पर साहिर भाग जाने में सफल हो जाता है। साहिर ग्रेट इंडियन सर्कस का पुनरुत्थान संस्करण का प्रीमियर करता है अपनी महिला सहयोगी आलिया यानी कैटरीना कैफ के साथ, जिसमें उसके साथ एक चाल शामिल है कि एक जगह से गायब हो जाना और दूसरी जगह पर दिखना। लेकिन बाद में जय अली और पुलिस उसे चारों ओर से घेर लेती है।
जानते हुए कि चोर वो है। जय कहता है कि सबूत वो गोली का घाव है, पर साहिर की जांच की जाती है तो उसके शरीर पर कहीं पर भी गोली का निशान नहीं होता है। जय और अली सर्कस से चले जाते हैं, जबकि साहिर अपने कमरे में चला जाता है। यहाँ पर पता चलता है कि साहिर का एक जुड़वा भाई है समर, जो कि उसके सर्कस के चालों और बैंक में चोरी करने में मदद करता है, और वो समर था जिसको गोली लगी थी। 30 अक्टूबर को धूम 3 का ट्रेलर यूट्यूब पर जारी किया गया था। इसके पहले बाजार में धूम 3 का ऑफिशियल गेम भी जारी किया गया था, जो कि 99 गेम प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा तैयार किया गया था। यह गेम विंडोज फोन स्टोर पर निःशुल्क उपलब्ध है। आमिर खान ने धूम श्रृंखला की फिल्मों का शीर्षक धूम मचाले 2013 में क्रिकेट के संन्यास ले रहे सचिन तेंदुलकर को समर्पित किया था। यह कहना गलत होगा कि धूम सीरीज की तीसरी फिल्म आमिर खान के रंगों से सराबोर है। विजय कृष्ण आचार्य की इस फिल्म में आमिर खान छाए हुए हैं और सिर्फ उनका ही जलवा दिखा है। एक मामूली कहानी को एक सुपरस्टार पावर के जरिए एक्शन के उस हद तक ले जाया जा सकता है जहां फिल्म शानदार और जानदार फिल्म बन जाती है। यह कहना गलत नहीं होगा कि फिल्म आमिर खान के स्टार पावर की नुमाइश है। फिल्म के तकरीबन हर फ्रेम में वे छाए रहते हैं, उनके सामने हर कलाकार बौना ही नजर आता है। धूम 3 की कहानी में जादूगर इकबाल नीचे की शराब का शिकागो में अपना सर्कस है, लेकिन वह ज़्यादा नहीं चलता। सर्कस को नीलाम करने की नौबत आ जाती है। जादूगर इकबाल का वह आखिरी शानदार कर्तव्य ही उसके सर्कस को बचा नहीं पाता और वो खुदकुशी कर लेता है। उसका बेटा साहिर यानी आमिर खान बदला लेने की ठान लेता है। उसका एक ही मकसद है, बैंक को तबाह करना और अपना सर्कस वापस शुरू करना। इसी के तहत वो बैंक के हर ब्रांच में चोरियां शुरू करता है, लेकिन साहिर को कोई पकड़ नहीं पाता। इसके पीछे एक बड़ा राज है। यही राज या रहस्य धूम 3 की कहानी का ट्विस्ट है। एक्टिंग की बात करें तो आमिर ने सबको पछाड़ दिया है। उन्होंने एक बार फिर साबित किया है कि उन्हें मिस्टर परफेक्शनिस्ट यू ही नहीं कहा जाता है। अभिषेक बच्चन के हिस्से में ज्यादा कुछ दिखाने को नहीं है। अभिषेक बच्चन और कैटरीना का अभिनय समान है, लेकिन जैकी श्रॉफ की भूमिका शानदार है। धूम 3 का गीत संगीत बेहद साधारण है। धूम सीरीज की पहली फिल्म का गीत धूम मचाले बेहद पॉपुलर रहा था, लेकिन इस फिल्म का गीत ही नहीं बल्कि टाइटल ट्रैक भी असरदार नहीं है। धूम 3 के साथ निर्देशक विजय आचार्य ने वापसी की है और इसके पहले वह टसन जैसी फिल्म को निर्देशित कर चुके हैं जो बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुँह गिरी थी। लेकिन एक्शन और रोमांस कैटेगरी की श्रेणी में यह फिल्म बेमिसाल है और देखी जानी चाहिए, जो खुद को अलग हटकर ला खड़ा करती है। धूम 3 की स्टोरी वही पुरानी है जो चोरी और चेज के सहारे आगे बढ़ती हुई प्लानिंग और स्ट्रेटजी के मोड से गुजरती है। आमिर एक परफेक्ट टेप है, कैटरीना उसका प्यार और साथ है। हमेशा की तरह पुलिस ऑफिसर जय दीक्षित यानी अभिषेक बच्चन और उसका साथी अली यानी उदय चोपड़ा है, जो इन स्मार्ट चोरों को काबू में करने की कोशिश में लगे हैं। तो सवाल है कि फिर इस फिल्म में नया देखने लायक क्या है? इस सवाल का जवाब पूरे सारे रीजंस के साथ दिया जा सकता है, पर हम आपको कुछ बता रहे हैं ताकि आप फिल्म जरूर देखें और इस बात को माने कि हमारी इस फिल्म को देखने जाने की एडवाइस कितनी सही थी। पहली वजह तो इस फिल्म में वह सब कुछ है जिसके लिए कोई फिल्म लवर एक मूवी देखना चाहता है। सच तो यह है कि फिल्म अपने प्रोडक्शन हाउस और फर्स्ट दोनों पार्ट की सक्सेस के कारण ही नहीं, एक सेपरेट स्ट्रांग मूवी के तौर पर भी देखने लायक है। फिल्म एक बेहतरीन थ्रिलिंग और एंटरटेनिंग एक्सपीरियंस है। इसे न देखकर आप अपनी यादों के कलेक्शन में 100% कुछ मिस कर देंगे। यशराज बैनर के लिए धूम यकीनन एक ऐसा ब्रांड बन चुका है जिससे बैनर की प्रतिष्ठा जड़ चुकी है। यही वजह है बजट के मामले में कुछ ज़्यादा ही कंजूस माना जाने वाला है बैनर। धूम सीरीज की हर नई फिल्म हर पिछली फिल्म से ज़्यादा कहीं पैसा लगाता है। करीब 100 करोड़ के भारी भरकम बजट में बनी इस फिल्म में जबरदस्त एक्शन और ड्रामा तो है ही, इसके साथ ही इसमें आपको बेहतरीन विजुअल इफेक्ट भी देखने को मिलेंगे। यकीनन धूम 3 के कई एक्शन सीन हॉलीवुड फिल्मों को टक्कर देने के काम करते हैं। इस फिल्म के क्रेज का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने लगने से पहले करीब 7 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई एडवांस बुकिंग के दम पर कर ली थी। कुछ साल पहले इसी बैनर के लिए मेगा बजट मल्टी स्टारर टसन जैसे सुपर फ्लॉप बना चुके डायरेक्टर विजय कृष्ण आचार्य ने लंबे ब्रेक के बाद इस बार पूरा होमवर्क करने के बाद ही इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया। इंटरवल के बाद उदय चोपड़ा और अभिषेक बच्चन के कुछ सीन को नजरअंदाज कर दिया जाए तो 3 घंटे की लंबी अवधि की इस फिल्म में दर्शकों को स्टार्ट टू फिनिश अपनी सीटों के साथ बांधे रखने का दम है। यकीनन धूम सीरीज की इस फिल्म में आमिर खान की मौजूदगी ही बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म के क्रेज को कई गुना बढ़ाती है। इस फिल्म को देखने के बाद लगता है डायरेक्टर विजय भी आमिर के जादू में कुछ ऐसे ही बन से गए हैं कि फिल्म के बाकी बचे 3 अहम किरदारों विजय दीक्षित अली और आलिया के किरदारों को उभरने का ज्यादा मौका नहीं दिया। धूम 3 आमिर खान की फिल्म है। इस फिल्म की रिकॉर्ड कामयाबी का सबसे ज्यादा फायदा बैनर और फिल्म के डायरेक्टर के बजाय आमिर खान को ही हुआ था।
धूम थ्री मूवी में दिखाया गया है कि अमेरिका के शिकागो में इकबाल हारून खान यानी जैकी श्रॉफ की ग्रेट इंडियन सर्कस कंपनी है। पिछले कुछ सालों से लगातार घाटे की वजह से इकबाल की सर्कस कंपनी बंद होने की कगार पर पहुंच चुकी है। कुछ साल पहले इकबाल ने शहर के जिस प्रतिष्ठित बैंक से मोटा कर्ज लिया था, वह बैंक अपने कर्ज वसूलने के लिए सर्कस कंपनी को नीलाम करना चाहता है। बैंक सर्कस को नीलाम करे इससे पहले इकबाल परेशान होकर अपने बेटे साहिर खान की आंखों के सामने खुद को गोली मार लेता है। इस घटना को अब कई साल गुजर चुके हैं, लेकिन आज भी साहिर अपने पापा की मौत नहीं भुला पाया है। साहिर अपने पापा की खुदकुशी के लिए बैंक और उसके आला अफसरों को जिम्मेदार मानता है। साहिर का मिशन बैंक को मोटा नुकसान पहुंचाना और इसके आला अफसरों से बदला लेना है। साहिर ने बचपन में पापा से जादू और जिम्नास्टिक की ट्रेनिंग ली थी। एक बार फिर शिकागो पहुंचकर साहिर उसी बैंक की अलग अलग शाखाओं को लूटता रहता है, जिस बैंक की वजह से उसके पापा ने खुदकुशी की थी। साहिर बैंक से लूट की रकम का बड़ा हिस्सा लोगों में बांट देता है। साहिर बैंक को लूटने में पापा से सीखी ट्रिक्स का सहारा लेकर हर बार पुलिस को चकमा देता है। शिकागो की पुलिस जब साहिर को पकड़ नहीं पाती, तब हार कर भारतीय पुलिस की मदद लेती है। इसकी खास वजह साहिर द्वारा हर बैंक लूटने के बाद हिंदी में एक खास मैसेज लिखा जाना है। भारत से जयदेव चेतन, अभिषेक बच्चन और अली अनिरुद्ध चोपड़ा को शिकागो भेजा जाता है। विजय के काम करने का अंदाज अलग है। विजय शिकागो आते ही साहिर को टीवी चैनलों के जरिए बैंक किसी ब्रांच को लूटने का चैलेंज देता है। साहिर इस चैलेंज के बाद खुद को जय के पास पहुंचाता है। इसी बीच जय को पता चलता है कि साहिर ही वह चोर है जिसे पकड़ने के लिए वह अली के साथ यहां आया है। आलिया ने कैटरीना कैफ साहिर की सर्कस टीम में होती है। साहिर को रंगे हाथ पकड़ने के लिए विजय दीक्षित एक प्लान बनाता है। साहिर कुछ ऐसा करता है जिसकी वजह से विजय का प्लान उसी पर भारी पड़ता है। शिकागो पुलिस और बैंक के अफसर इस केस से विजय को हटा देते हैं। आमिर खान की बात की जाए तो धूम थ्री उनकी सबसे फिल्मों में से एक कही जाएगी। पूरी फिल्म में आमिर का हर बार एक नया लुक देखने को मिलता है। यकीनन आमिर ने इस फिल्म के लिए बेहद मेहनत की है, जिसका रिजल्ट भी पर्दे पर दिखता है। आमिर के एक्शन, स्टंट और इमोशन सीन खूब बन पड़े हैं। अभिषेक बच्चन एक बार फिर वैसे ही सपाट चेहरे के साथ नजर आए हैं जैसा कि इस सीरीज की पिछली फिल्मों में वह दिख चुके हैं। उदय चोपड़ा की क्या बात करें, आदित्य ने उनके लिए जो कॉमिक दृश्य फिल्म में रखे उनसे ज्यादा अच्छे लगे हैं। जैकी श्रॉफ का किरदार बेशक छोटा है, लेकिन उनकी एक्टिंग बेहतरीन है। विजय कृष्ण आचार का डायरेक्शन एक्शन रोमांच के साथ दर्शकों को कहानी के साथ पूरी तरह से बांधने में कामयाब है। टशन के बाद इस बार उन्होंने ऐसी फिल्म बनाई है जो सिंगल स्क्रीन से मल्टीप्लेक्स तक हर क्लास की कसौटी पर काफी हद तक खरी उतरने का दम रखती है। आमिर खान द्वारा अपनी बैटमैन स्टाइल से किए गए रेसर सीक्वेंस शानदार हैं, जो हॉलीवुड फिल्मों को टक्कर देते हैं। वही फिल्म की लोकेशन गजब है। प्रीतम का संगीत इस बार उनके फैंस की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। टाइटल ट्रैक धूम मचा ले, मलंग मलंग और कमली का फिल्मांकन गजब का है। इसका क्रेडिट संगीतकार से ज्यादा भैरवी मर्चेंट को जाता है। ऐसी फिल्में बॉलीवुड में कम ही बन पाती हैं। अगर आप आमिर खान के फैन हैं तो धूम 3 मिस ना करें। अगर आप 3 घंटे मौज मस्ती और कुछ नएपन के साथ गुजारना चाहते हैं तो आप ये फिल्म जरूर देखें। धूम 3 फिल्म में भी चोर पुलिस की कहानी दिखाई गई है, पर आमिर खान के पहली बार किसी फिल्म में चोर का रोल निभाने से इस फिल्म को नई पहचान मिल गई है। आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्मित धूम सीरीज की तीसरी फिल्म में आमिर, कैटरीना कैफ, अभिषेक बच्चन और उदय चोपड़ा मुख्य किरदार में हैं। धूम फिल्म में साहिर यानी आमिर खान एक चोर है जो कि जोकर के बेस में चोरी करता है। जय दीक्षित यानी अभिषेक बच्चन और उसका साथी अली अकबर यानी उदय चोपड़ा चोर को पकड़ने के लिए तमाम कोशिशें करते हैं। फिर शुरू होता है जय दीक्षित और साहिर के बीच चोर पुलिस का खेल। इस खेल में आलिया ने कैटरीना कैफ साहिर का साथ देती है। वैसे तो फिल्म धूम 3 की कहानी पुरानी ही है, पर निर्देशक विजय कृष्ण आचार्य ने इसे जिस एक्शन सीन के साथ निर्देशित किया है वो सच में तारीफ योग्य है। आमिर खान को फिट बॉडी के साथ एक्शन सीन करते हुए देखना काबिले तारीफ है। धूम 3 फिल्म में सिर्फ दो हीरो हैं, एक आमिर खान और दूसरा बाइक्स। इस पूरी फिल्म को सफल बनाने का भार सिर्फ और सिर्फ आमिर खान के कंधे पर ही है, और इस बात को बिल्कुल भी नकारा नहीं जा सका कि इस 2.5 घंटे तक वो इस काम के लिए पूरी कोशिश करते हैं। आमिर के अलावा फिल्म में कई बेहतरीन स्टंट भी हैं। शानदार गाड़ियों के साथ लोगों ने जो उम्मीद लगाई थी वो इस फिल्म में पूरी भी हुई है। खास बात यह है कि इस फिल्म में दिखाई गई कई बाइक्स आपने अब तक किसी बॉलीवुड फिल्म में नहीं देखी होगी। फिल्म में कई ट्विस्ट हैं और साथ ही आपको एक माइंड ब्लोइंग इंटरवल भी मिलेगा। क्लाइमैक्स आपको निराश कर सकता है और ये ऐसा है जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं की होगी। फिल्म में दिखाई गई मैजिक ट्रिक शानदार है। सर्कस के सीन काफी अपीलिंग है और हाँ, चोरी भी काफी आकर्षक है। इस फिल्म में चोरी भी ऐसी दिखाई गई है जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी।
हीरो का पार्ट पहले से सेट है और फिल्म में कोई लीड एक्ट्रेस नहीं है। ऐसा लगता है कि यशराज ने कैटरीना कैफ को सिर्फ 3 गानों, 3 डायलॉग्स और एक छोटे से किस के लिए ही साइन किया था। हाँ, एक बात जरूर है कि अपनी डांस परफॉर्मेंस से कैटरीना ने खुद को इंडस्ट्री का लेडी ऋतिक रोशन जरूर साबित कर दिया है। अब धूम फ्रेंचाइजी की कोई भी फिल्म हॉट गर्ल के बिना तो अधूरी है। ऐसे में कैट को लेने का कारण साफ समझ में आता है। अभिषेक बच्चन भले ही किसी छत पर खड़े होकर ये चिल्ला ले कि वो फिल्म के हीरो हैं, लेकिन असल में वह नहीं है। वो तो अपना रोल ही बहुत मुश्किल से कर पाए हैं। वैसे हाँ, फिल्म को देखने के बाद इससे पहले कि आप आमिर के लिए खड़े होकर ताली बजाएं, एक बार उदय चोपड़ा के लिए 2 मिनट का मौन जरूर रख लें। वैसे अगर इस फिल्म में तीसरा कोई हीरो या हीरोइन है तो वो VFX है, जिसके सपोर्ट से फिल्म बेहतर बनी, ना कि पुलिस वालों की वजह से। धूम 3 में कई ऐसी चीजें हैं जो लीक से हटकर फिल्माई गई हैं। आमिर के पिता जैकी श्रॉफ एक जादूगर होते हैं जो द ग्रेट इंडियन सर्कस के मालिक होते हैं और सुसाइड कर लेते हैं। वो शिकागो के एक बैंक से लिया हुआ लोन वापस नहीं कर पाते हैं और उन्हें बैंक वाले धमकाते हैं कि वो उनके सर्कस को नीलाम कर देंगे। आमिर के पिता इस दबाव को सह नहीं पाते और बेटा पिता की मौत भूल नहीं पाता। इसके बाद से ही कहानी शुरू होती है कि कैसे वो बेटा एक चोर कम जादूगर बनता है और बैंक से बदला लेता है। फिल्म के आमिर के 2 डायलॉग हैं जो वाकई सुनने लायक हैं। पहला, बंदे हैं हम उसके हम पे किसका जोर, उम्मीदों के सूरज निकले चारों ओर, इरादे हैं फौलादी हिम्मती हर कदम, अपने हाथों किस्मत लिखने आ चले हैं हम। यही वो डायलॉग है जो पूरी फिल्म को बांधे रखता है। इसके अलावा एक दूसरा डायलॉग है जो आमिर खान से कहते हैं, तुम्हारे पास 5 मिनट हैं, 1 सेकंड के लिए भी मेरी नज़र तुमसे नहीं हटनी चाहिए। अगर अभिषेक के नीरज अभिनय, उदय चोपड़ा के बेवकूफ चुटकुले, पुरानी सी स्क्रिप्ट और निराशाजनक एडिटिंग के अलावा फिल्म में कुछ है तो वो आमिर खान ही हैं। उनके स्टंट के समय तो आप पलकें भी नहीं झपका सकते और इसका पूरा क्रेडिट आमिर को ही जाता है। अगर दर्शक हैट पहनकर फिल्म देख रहा है तो हैट्स ऑफ करके ही थिएटर से बाहर निकलेगा। वाकई ये साल आमिर खान ने धूम के साथ ही खत्म किया था। और हाँ, 3 का टाइटल भी गलत नहीं है क्योंकि आमिर की एक्टिंग इतने गुना बेहतर थी। वैसे ऋतिक रोशन के लिए भी एक सुझाव है कि क्रेश 4 के बारे में सोचने से पहले एक बार फिल्म जरूर देख लें। धूम बाइक्स और चोरी की फिल्म थी, धूम 2 चोरी डांस और रोमांस की फिल्म थी और अब धूम 3 आमिर खान की फिल्म है। आपको ये नहीं देखने को मिलेगा कि कैसे आमिर खान ने बैंक लूटा। आप ये भी नहीं देख पाएंगे कि आमिर कैसे बैंक लूट रहे हैं। आप पूरी तरह क्लैश रहेंगे कि फिल्म में अभिषेक बच्चन और शिकागो पुलिस रहती है। आप इस फिल्म से धूम 2 के जैसे स्टंट की अपेक्षा मत करिए। अगर आप धूम 3 से हॉलीवुड जैसे एक्शन की उम्मीद पाल रहे हैं तो आप गलत हैं। फिल्म में कई ऐसी चीज़ें हैं जो फिल्म से बॉलीवुड पुट को दूर नहीं कर पाती, जैसे कि फिल्म में हीरोइन के लिए करने के लिए कुछ नहीं है, विलन के अलावा पूरी दुनिया परफेक्ट है, वगैरह वगैरह। बाकी फिल्म छुट्टियों के दिनों में रिलीज हुई थी, धूम फ्रेंचाइजी की है और आमिर खान ने शानदार एक्टिंग की है। ऐसे में फिल्म का चलना तो तय था। सुपर बाइक्स का क्रेज सिर्फ भारतीय राइडर्स को नहीं बल्कि हिंदुस्तानी और विदेशी फिल्मों में भी खूब देखने को मिलता है। फिल्म के हीरो को और ज्यादा स्टाइलिश दिखाने के लिए बीते दशकों में सुपर बाइक्स का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है। BMW की सुपर बाइक भी इसी सूची में शामिल है। अगर आपने आमिर खान वाली धूम 3 देखी है तो यकीनन आपको यह बाइक पसंद आई होगी, जिस पर आमिर हैरत अंगेज स्टंट करते हुए दिखते हैं। इस फिल्म के बाद भारत में भी राइडर्स के बीच इस बाइक का क्रेज और तेज हो गया। आमिर खान ने फिल्म में जिस बाइक का इस्तेमाल किया था वो BMW के 1300R मॉडल की थी। ड्यूल हैंड लैप्स वाली यह बाइक सच में काफी खूबसूरत है। BMW मोटार्ड की नेक्स्ट क्लास बाइक को साल 2009 में लॉन्च किया गया था। आपको बता दें कि इस बाइक ने कंपनी की K1200R को रिप्लेस किया था। इस सुपर बाइक में 1293cc इनलाइन 4 EFI एंटी नाक सेंसर वाला पावरफुल इंजन लगा है। यह इंजन 173 HP पावर 9020/150 RPM पर जनरेट करता है और 8020/150 RPM पर 140 NTM नॉट देता है। इसके एग्जॉस्ट सिस्टम को कुछ बटरफ्लाई स्टाइल में डिजाइन किया गया है ताकि टार्क को बेहतर बनाया जा सके। इस बाइक में 6-speed गियरबॉक्स दिया गया है। इस बाइक में 17-inch के टायर्स का इस्तेमाल किया गया है। अगर स्पीड की बात करें तो धूम 3 में इस बाइक की जितनी तेज स्पीड बताई गई है उतनी ही है। BMW के 1300R की टॉप स्पीड 260 km/h के करीब है। रफ्तार का अंदाजा केवल इस बात से लगाया जा सकता है कि इस बाइक को 0-100 km/h की रफ्तार पहुंचने में केवल 2.81 सेकंड लगते हैं। इस बाइक में 19 लीटर का पेट्रोल टैंक है जिसकी रिजर्व कैपेसिटी 4 लीटर है। माइलेज 17 km/l का है। एक बार टैंक फुल करने पर यह बाइक 320 किलोमीटर का सफर तय करने में सक्षम है। इस बाइक
बाइक की कीमत 25 लाख रुपए है। फिलहाल BMW की यह सुपर बाइक मार्केट में नहीं है, इसे साल 2015 में डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। यह बाइक कंपनी की सबसे पावरफुल वाली बाइक कही जा सकती है। इस सुपर बाइक को इस 1000R से रिप्लेस किया गया है। इसकी कीमत 2283 लाख रुपए है। यस 100R को धूम 3 में ही जय दीक्षित बने अभिषेक बच्चन और अली और उदय चोपड़ा को राइड करते हुए दिखाया गया था। धूम सीरीज की महत्वपूर्ण कड़ी है जय और अली। इस बार वे चोर को पकड़ने के लिए शिकागो जाते हैं। चूक चोर चोरी करने के बाद हिंदी में संदेश छोड़ता है, बैंक वालों तेरी ऐसी की तैसी। शायद इसलिए भारत से जय और अली को उन्हें पकड़ने के लिए बुलाया जाता है। मजेदार तथ्य कि विशेष दायित्व निभाते समय चोर को पकड़ने में असफल रहते हैं, फिर बाकी हिंदी फिल्मों की तरह दायित्व से मुक्त होने के बाद उनका दिमाग तेज चलता और वे चोर को घेर लेते हैं, लेकिन इस बार भी चोर उन्हें चकमा देकर निकल जाता है। जय और अली के रूम में अभिषेक बच्चन और उदय चोपड़ा हैं। तारीफ करनी होगी कि पहली धूम से लेकर अभी तक उनकी समान रूपता बनी हुई है, वो जरा भी नहीं बदले हैं। धूम सीरीज में चोर को ज़्यादा स्मार्ट और रोचक बनाने के लिए उनको भोंदू दिखना जरूरी होता है। इस बार स्मार्ट चोर आमिर खान है। जॉन अब्राहम और ऋतिक रोशन के बाद धूम 3 में आए आमिर खान को छबीली कैटरीना कैफ का साथ मिला है। दोनों के बीच स्टेज पर केमिस्ट्री दिखती है, खासकर डांस और सर्कस के करतबों में उनकी जोड़ी प्रभावशाली है। करतब और डांस में निर्देशक और संबंधित तकनीशियों ने भी काफी मेहनत की है। आमिर खान और कैटरीना कैफ भी अपनी तरफ से कसर नहीं रहने देते। इसके अलावा आमिर खान की हैरत अंगेज बाइक ड्राइविंग है। बाइक और चेस धूम सीरीज का खास बात है। धूम 3 में भी इनका भरपूर इस्तेमाल हुआ है। मुख्य रूप से 3 चेज हैं जिनमें हमेशा की तरह चोर कामयाब रहता है। चोर बने शहर के पास अत्याधुनिक बाइक है जो हवा में कुलाचे भरती है और जरूरत पड़ने पर मोटर बोट भी बन जाती है। धूम 3 तकनीकी स्तर पर प्रभावित करती है, एक्शन भी जोरदार है। लंबे समय के बाद आमिर खान एक्शन दृश्यों में नजर आए हैं। जॉन अब्राहम और ऋतिक रोशन की तरह उन्हें भी बेहद दृष्ट देखनी पड़ी है। आमिर खान ने मेहनत की है लेकिन उनके पास उनके जैसा आकर्षक शरीर स्वस्थ नहीं है। इमोशनल दृश्यों को आमिर खान अच्छी तरह निभा ले जाते हैं। कैटरीना कैफ की चपलता आकर्षक है, उनके डांस में स्फूर्ति गति और लयात्मकता है, उनसे नजर नहीं हटती। भाव प्रदर्शन और संवाद अदायगी में वह पिछड़ जाती है। धूम 3 में भी यही हुआ है, जब तक वह डांस और करतब करती हैं तब तक बहुत प्रभावशाली लगती है, बाकी दृश्यों में वह आमिर खान का साथ नहीं दे पाती हैं। वैसे लेखक निर्देशक ने कम नाटकीय दृश्य लेकर उनकी कमी छिपाने की अच्छी कोशिश की है। विजय कृष्ण चार ने धूम 3 के लंबे दृश्य रखे हैं। फिल्म थोड़ी लंबी हो गई है। शिकागो शहर का सिटी स्कोप इस फिल्म में दिखाई देता है। शहर की खूबसूरती और भव्यता भी फिल्म में प्रभाव में सहायक बनती है। सर्कस के करतब और डांस परफॉर्मेंस के लिए बने सेट आकर्षक हैं। टैप डांस में आमिर खान का कौशल नजर आता है। पता चलता है कि अभ्यास और एकाग्रता से कलाकार नए कौशल सीख सकते हैं। धूम सीरीज अपने गीत संगीत के लिए भी लोकप्रिय हैं। धूम 3 का गीत संगीत उसी प्रवाह में है। कुछ गीतों का फिल्मांकन नयना भिरामी है लेकिन कुछ गीत अनावश्यक भी लगते हैं। सुदीप चटर्जी के खूबसूरत छायांकन से दृश्य प्रदृश्य सुहावने लगते हैं। धूम 3 फिल्म में आमिर खान अपने कैरियर में दूसरी बार नेगेटिव रोल कर रहे थे। इसके पहले आमिर खान ने 1947 अर्थ फिल्म में नेगेटिव किरदार निभाया था। यह फिल्म चली नहीं थी। धूम 3 भारत की ऐसी फिल्म बन गई है जिसके लीड किरदार हर बार उसी नाम के साथ हैं और एक ही कलाकार ने यह रोल निभाया है। यह रोल तीनों ही फिल्मों में अभिषेक बच्चन और उदय चोपड़ा ने निभाया है। धूम 3 की शूटिंग में हॉलीवुड के कई तकनीकी जानकारों की मदद ली गई है, खासकर बाइक रेसिंग और दीवारों पर दौड़ने के लिए इस तकनीक का इस्तेमाल ज़्यादा किया गया है। धूम 3 की शूटिंग के दौरान फिल्म के लीड किरदार आमिर खान को गहरी चोट लगते लगते बची थी। जिस तार को पकड़कर वह बिल्डिंग में चढ़ रहे थे वह तार अचानक टूट गया। गनीमत थी कि एक सपोर्ट वायर बगल में ही मौजूद था। धूम 3 फिल्म रिलीज से पहले ही विवादों में फंस गई थी। फिल्म के एक गाने मलंग मलंग पर एक खास समुदाय को आपत्ति थी। हालांकि यह मामला इतना बड़ा नहीं था कि इसके लिए फिल्म की रिलीज टालनी पड़े। फिल्म के टाइटल सॉन्ग धूम मचाले को भव्य तरीके से फिल्माने के लिए फिल्म के निर्माता आदित्य चोपड़ा ने 5 करोड़ रुपए खर्च किए थे। 5 करोड़ में कई छोटे बजट की फिल्में बन जाती हैं। धूम 3 में लीड कौन है इस बात को लेकर भी फिल्म के पहले विवाद हुआ था। इस फिल्म में जुड़े कई कार्यक्रमों में फिल्म के हीरो अभिषेक बच्चन की उपेक्षा की गई तो उन्हें कहना पड़ा कि फिल्म का हीरो मैं हूं और हर बार की तरह जीतता हीरो ही है।
धूम उन फिल्मों में से है जिन्होंने बॉलीवुड में सीक्वल फिल्मों के लिए मजबूत धरातल तैयार किया। इस सीरीज की हर फिल्म के साथ भव्यता और एक्शन की जबरदस्त बहार आती गई। इस बार भी कुछ ऐसा ही किया गया था। आमिर खान और कैटरीना कैफ को सरप्राइज पैकेज के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। कैटरीना कैफ के लिए फिल्म में करने के लिए कुछ खास नहीं है, ग्लैमर के तौर पर उन्हें लाया गया है लेकिन इस्तेमाल नहीं किया गया। फिल्म ठेठ हिंदी सिनेमा प्रेमियों के लिए किसी जश्न से कम नहीं है। हर बार की तरह टेक्नोलॉजी, गैजेट्स, बाइक्स और एक्शन इस बार भी हैं। सब हाई क्वालिटी है लेकिन कहानी पूरी तरह बचकानी है। जैकी श्रॉफ द इंडियन सर्कस चलाते हैं, वह काफी उधार ले लेते हैं और वह इससे चुका नहीं पाते, आत्महत्या कर लेते हैं। उसके बाद उसका बेटा साहिर यानी आमिर खान अपनी उस सर्कस को दोबारा से शुरू करने का जिम्मा लेता है और चोरियां शुरू कर देता है। इसमें उसका साथ देती है आलिया ने कैटरीना कैफ। बस हर बार की तरह जया ने अभिषेक बच्चन और आलिया ने उदय चोपड़ा चोरियों को रोकने के लिए आ जाते हैं। वैसे ही से शुरू होता है धूम धड़ाका। हालांकि कहानी के कई लोच हैं, 3 घंटे की फिल्म है। जो बात नहीं पछती वह यह कि शिकागो पुलिस नाकाम है और मुंबई पुलिस को बुलाया जाता है और उसके 2 पुलिस अफसर अपने जौहर विदेश में दिखाते हैं। इस तरह की कई बातें जो गले नहीं उतरती हैं। आमिर खान की फिल्म मानकर तो कतई मत देखिएगा क्योंकि यह आमिर छाप फिल्मों से एकदम जुदा है। इसमें कोई कहानी नहीं है, थ्रिल नहीं है। कहानी के मामले में आमिर की सबसे कमजोर फिल्मों में से एक कही जा सकती है। आमिर खान नेगेटिव किरदार में नहीं जमते हैं। कहानी पूरी तरह से खामियों से भरी हुई है। आमिर खान के साथ कहीं कहीं कैटरीना की जोड़ी आंखों को बहुत अच्छी नहीं लगती है। कैटरीना को जितना मौका मिला उन्होंने अपना बेस्ट किया है। अभिषेक बच्चन जय के किरदार में पहले जैसे ही हैं, अली के किरदार में उदय जमे हैं और वह फिल्म में हंसाने का काम करते हैं। फिल्म का बजट 100 करोड़ रुपए से ज्यादा है। धूम भारतीय हिंदी फिल्म है जिसका निर्देशन संजय गांधी और निर्माण आदित्य चोपड़ा ने किया है। इस फिल्म में अभिषेक बच्चन, जॉन अब्राहम, उदय चोपड़ा और ईशा देओल मुख्य किरदार में हैं। इस फिल्म को 27 अगस्त 2004 में सिनेमाघरों में प्रदर्शित किया गया था। धूम मूवी की कहानी की शुरुआत मुंबई में होती है जब एक मोटरबाइक चलाने वाला गैंग शहर के बैंक और अन्य जगहों से पैसे चुराना शुरू कर देता है। एसी पे जय दीक्षित ने अभिषेक बच्चन को इस मामले की छानबीन करने का काम दिया जाता है। वो इस गिरोह के लोगों को पकड़ने के लिए एक चोरी की बाइक बेचने और चलाने वाले अली खान ने उदय चोपड़ा से मिलता है और उसकी मदद से उस गिरोह के लोगों को पकड़ने का प्लान बनाता है। वो असफल हो जाता है। इस गिरोह का लीडर कबीर यानी जॉन अब्राहम उससे कहता है कि वह उसके सामने भी रहेगा तो भी वह उसे पकड़ नहीं पाएगा और ऐसा होता भी है। एक और चोरी होती है जिसमें जय और अली को पहले से पता होता है कि चोरी कहाँ होने वाली है, पर वे लोग कुछ नहीं कर पाते। हालांकि जय की गोली से उस गिरोह का एक सदस्य मारा जाता है पर वे लोग एक बार और असफल हो जाते हैं। इस असफलता के कारण जय को अली के ऊपर गुस्सा आ जाता है और उन दोनों की बहस आगे मारपीट का रूप ले लेती है जिसके बाद अली उसे छोड़कर चला जाता है। रोहित जो जय की गोली का शिकार हो जाता है उसके जगह कबीर अब अली को लाने की सोचता है और उसे मिलकर अपने गिरोह में आने का न्योता देता है। अली मान जाता है और गिरोह से जुड़ने के बाद उसकी एक सदस्य सीना यानी ईशा देओल से अली को प्यार हो जाता है। कबीर अब भारत के सबसे बड़े कसीनो को लूटने का प्लान बनाता है जिसके बाद उन्हें कभी और चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो एक चोरी नए वर्ष के दिन करने का प्लान बनाता है। वो लोग उस कसीनो में अलग अलग रूम में आ जाते हैं और जल्द ही कबीर को एहसास हो जाता है कि यह जय का बुना हुआ जाल है। उन्हें भी यह पता चलता है कि अली अब भी जय के लिए ही काम कर रहा है। कबीर किसी तरह से जय की कैद से भागने में सफल हो जाता है और अपने गिरोह के साथ अपने गिरोह के ट्रक तक आ जाता है। वहाँ अली किसी तरह सिन्हा को बंधक बनाए रखता है। उसे ऐसा लगते रहता है कि उसके बाकी गिरोह के लोग पकड़े गए हैं, पर वही कबीर को देखकर उसके तोते उड़ जाते हैं। कबीर आते साथ अली को मारने लगता है कि तभी जय आ जाता है और उसकी जान बचा लेता है। सिन्हा को छोड़कर गिरोह के सभी लोग भागने लगते हैं। जय और अली मिलकर उनका पीछा करते हैं और कबीर को छोड़कर गिरोह के सभी लोग मारे जाते हैं। अंत में कबीर को जय और अली घेर लेते हैं। वही और जाने का रास्ता नहीं होने के कारण कबीर अपनी बाइक को नदी की ओर ले जाता है और बाइक के साथ नदी में गिर जाता है। इसके बाद जय और अली एक दूसरे से बात करते रहते हैं और फिल्म यहीं पर समाप्त हो जाती है। इस फिल्म का गीत बहुत ही पसंद किया गया था, खासकर धूम मचाले गीत। इसका बैकग्राउंड म्यूजिक भी लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया था। कुछ लोगों के फोन का रिंगटोन धूम फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक था। धूम एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म श्रृंखला है। फिल्म एसीपी जय दीक्षित एक सहायक पुलिस आयुक्त और उसके साइडकिक अली अकबर फतेह खान के इर्द गिर्द घूमती है जो पेशेवर चोरों को पकड़ते हैं। एक आम व्यवहार में कथानक अक्सर विरोधी से बहुत प्रभावित होता है। बॉक्स ऑफिस पर कमाई के मामले में यह बॉलीवुड की दूसरी सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी है। श्रृंखला धूम 3 की नवीनतम किस्त ने दुनिया भर में 550 करोड़ से अधिक कमाई की जो हिंदी सिनेमा के इतिहास में 4थी सबसे बड़ी कमाई करने वाली फिल्म है। 2016 तक धूम भारतीय सिनेमा में 5वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म फ्रेंचाइजी है।
इस श्रृंखला की पहली फिल्म थी धूम, जो कि 2004 में आई थी। इसमें बाइकर्स का एक साहसिक ग्रोह लिटोरो की होड़ में है। एसीपी जय को मामले में सहायता करने के लिए एक मैकेनिक अली मिलता है। घड़ी की टिक टिक के साथ यह उनके ऊपर है कि चोरों को रंगे हाथ पकड़ ले। इस श्रृंखला में दूसरी फिल्म थी धूम 2, जो कि 2006 में आई थी। इसमें जय और अली लौटते हैं, इस बार एक अंतर्राष्ट्रीय चोर की निशानदेही पर, जिसने अमूल्य कलाकृतियों की चोरी की और मुंबई को अपना अलग लक्ष्य चुना। इस श्रृंखला में तीसरी फिल्म थी धूम 3, जो कि 2013 में आई थी। इसमें जब जादू और कलाबाजी में प्रदर्शित सर्कस का मनोरंजन करने वाले शाहिर शिकागो में एक भ्रष्ट बैंक को गिराने के लिए चोर बन जाते हैं, जिसने उनके पिता को बर्बाद कर दिया था, तो भारतीय अधिकारी जय और अली को उसे पकड़ने के लिए बुलाया जाता है। धूम मूवी का बजट था 110 मिलियन और इसकी कुल कमाई हुई थी 650 मिलियन। धूम 2 का बजट था 450 मिलियन और इसकी कुल कमाई हुई थी 2.62 बिलियन। धूम 3 का बजट था 1.75 बिलियन और इसकी कुल कमाई हुई थी 5.892 बिलियन। इस हिसाब से अगर तीनों फ्रेंचाइजी का बजट देखा जाए तो वो बनता है पूरा 2.31 बिलियन और तीनों की कमाई बनती है 8.162 बिलियन। फिल्म का शहरी भारतीय युवाओं के बीच महत्वपूर्ण संस्कृत प्रभाव पड़ा। यह सड़कों पर दौड़ बाइक से होने वाली चोरी और सार्वजनिक सड़कों पर स्टंट करने की घटनाओं में वृद्धि के लिए दोषी ठहराया गया था। इसके अतिरिक्त एनओएस किट के अलावा फ्री पिलो एंगास सिस्टम से लेकर अपनी बाइक्स में संशोधन के लिए युवाओं के साथ बाइक मॉडिफाई सीन के लिए भी एक नई नीति थी। केरल के मलप्पुरम जिला में अपराधियों के एक समूह के 4 सदस्यों ने 30 दिसंबर 2007 को दक्षिण मालाबार ग्रामीण बैंक में फर्श तोड़कर 2.5 मिलियन और 80 किलोग्राम सोना लूटा था, जिसकी कुल कीमत 80 मिलियन बताई गई थी। केरल के अपराध रिकॉर्ड में सबसे बड़ी चोरी में से एक थी। केरल पुलिस ने इस संबंध में 4 लोगों को गिरफ्तार किया था और नेता ने स्वीकार किया कि वह धूम से प्रेरित था। भारत में मीडिया ने धूम 2 को समानताएं दी। इसमें दो राय नहीं है कि यशराज फिल्म्स ने अपने बैनर तले एक नहीं कई सुपरहिट फिल्मों का निर्माण किया है, जिसमें धूम भी शामिल है। धूम बॉलीवुड की सबसे मशहूर और हिट फ्रेंचाइजी फिल्म है। फिल्म की कहानी, किरदार और गाने को लोगों ने काफ़ी पसंद किया था। धूम फिल्म की रिलीज को 16 साल से ज़्यादा वक्त हो चुका है। धूम फिल्म के 16 साल पूरे होने पर इसके स्क्रीन प्ले लिखने वाले विजय कृष्ण आचार्य ने फिल्म से जुड़ी कुछ बातें बताई थी। विजय कृष्ण आचार्य ने फिल्म के 16 साल पूरे होने पर बताया कि उनको पहले से ही इस बात का विश्वास था कि ये एक मनोरंजक फिल्म साबित होगी। फिल्म के वैसे तो सारे गाने ही कमाल के थे, लेकिन धूम मचाले गाने की बात अलग थी। फिल्म धूम को सुपरहिट बनाने में इस स्टाइल के गाने का बड़ा हाथ है। आपको बता दें कि इस गाने को प्रीतम दा ने बनाया था। विजय कृष्ण आचार्य ने कहा कि उनसे पहले ही आदित्य चोपड़ा ने जिक्र किया था कि फिल्म में सीक्वल की संभावनाएं दिखाई देती हैं, और उन्होंने इसके सीक्वल में बने में विचार करने के लिए कहा था। इसके अलावा विजय कृष्ण आचार्य ने बताया था कि वो धूम के लिए ऐसा विलन को चाहते हैं जो जीतता हुआ नजर आए। विलन को जीतता हुआ देखकर दर्शकों को अच्छा लगेगा। फिल्म के 16 साल पूरे होने पर इसके निर्देशक संजय गढ़वी ने अपने इंस्टा पर एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा था कि आज से 16 साल पहले मैंने इस दिन बहुत उत्सुक और आत्मविश्वासी था। रिलीज के बाद जो हुआ वो इतिहास बन गया। फिल्म के मुख्य किरदार के रूप में जॉन अब्राहम, अभिषेक बच्चन, आदित्य चोपड़ा, ईशा देओल जैसे कलाकार नजर आए थे। धूम 2 2006 में बनी हिंदी भाषा की फिल्म है। यह धूम श्रृंखला की दूसरी फिल्म है, जिसका निर्देशन संजय गढ़वी ने किया है और निर्माण आदित्य चोपड़ा और यश चोपड़ा द्वारा किया गया है। फिल्म में अभिषेक बच्चन, उदय चोपड़ा, जय दीक्षित और अली मुख्य भूमिका में हैं, और एक चोर मिस्टर ए यानी ऋतिक रोशन को पकड़ने की कोशिश करते हैं, जो कई बेशकीमती वस्तुएं अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग करके चुराता है। इस फिल्म की लागत थी 35 करोड़ रुपए और इसकी कुल कमाई हुई थी 150 करोड़ रुपए। फिल्म की शुरुआत मिस्टर ए यानी ऋतिक रोशन के ब्रिटिश रानी के मुकुट चोरी करने से होती है। नई उन्नत मिलने पर अफसर अली यानी उदय चोपड़ा और जय दीक्षित यानी अभिषेक बच्चन सोनाली बोस यानी बिपाशा बसु से मिलते हैं, और जो जय की अच्छी दोस्त भी है। शुरुआती छानबीन से जय को पता चलता है कि मिस्टर ए मुंबई में अगली चोरी करेगा और शहर में स्थित किसी दो संग्रहालयों में चोरी होगी। तभी दीक्षित को पता चलता है कि वह जिस संग्रहालय की निगरानी कर रहा है वह गलत है, और वह तुरंत दूसरे संग्रहालय की ओर दौड़ता है, जहाँ मिस्टर ए भेष बदलकर हीरा चुरा के फरार हो जाता है। टेलीविजन पर मिस्टर ए पुलिस को उसे पकड़ने के लिए उकसाता है और उन्हें अपनी अगली चोरी की जगह बताता है। परिणाम स्वरूप दीक्षित बोस और खान एक तलवार रखे गए किले पर सख्त पहरा बिठाते हैं। रात को मिस्टर ए अपने बहरूपियों से मिलता है, जहां तलवार रखी होती है। पुलिस को खबर लग जाती है, पर दोनों तलवार चुराकर भागने में कामयाब होते हैं। बहरूपिया आखिर में सुनहरी यानी ऐश्वर्या राय निकलती है, जो मिस्टर ए को अपना आदर्श मानती है, और वे दोनों साझेदारी बना लेते हैं। रियो डी जेनेरियो में मिस्टर ए और सुनहरी अपनी अगली चोरी की योजना बनाते हैं। सूचना के मुताबिक दीक्षित और अली अभी शहर में आज पहुँचते हैं।
वक्त चलते सुनहरी और मिस्टर ए में प्यार हो जाता है और मिस्टर ए उसे अपना असली नाम आर्यन बता देता है। परंतु आर्यन को पता चल जाता है कि सुनहरी जासूस है जो जय के लिए काम कर रही है। वह उसे खेल में खुद को गोली मारने के लिए कहता है पर वह उसे नहीं मार पाती और अपना प्यार कबूल करती है। रियो में दूसरी ओर अली को मुनाली यानी बिपाशा बसु सुनाली की जुड़वा बहन से प्यार हो जाता है। अपनी आखिरी चोरी में आर्यन और सुनहरी सोने के सिक्के चुरा लेते हैं और सुनहरी खुलासा करते हैं कि वह जय के लिए काम नहीं करना चाहती, जिससे जय और अली उनके पीछे लग जाते हैं। एक लंबे समय तक पीछा करने के बाद सभी एक झरने के पास पहुंच जाते हैं जहां सुनहरी को अली पकड़ लेता है। सुनहरी अपनी भावनाएं आर्यन को बताने के बावजूद उसे गोली मार देती है और वह झरने से नीचे गिर जाता है। आर्यन के गिरने के बाद जय सुनहरी को आज़ाद कर देता है। 6 महीने बाद खुलासा किया जाता है कि आर्यन अब भी जिंदा है और सुनहरी के साथ मिलकर उसने एक रेस्तरा खोल लिया है। जब आर्यन और सुनहरी को उसके रेस्तरा में आकर मिलता है और उन्हें बताता है कि उनके गुनाहों के बावजूद वह उन्हें नहीं पकड़ेगा, आर्यन उसे बताता है कि सारे चुराई हुई वस्तुएं कहाँ मिलेंगी। जय को दोनों के प्यार के बारे में पता चलता है पर वह उन्हें आगाह करता है कि अगर दोबारा चोरी की तो फिर से वह पीछे आ जाएगा। इस फिल्म को सन 2006 में फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार के लिए ऋतिक रोशन को पुरस्कार मिला था। आदित्य चोपड़ा की फिल्म धूम 2 को रिलीज हुए 15 साल से भी ज्यादा वक्त हो चुका है। बता दें कि ये फिल्म साल 24 नवंबर 2006 को रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर जमकर सफलता कमाई थी। माना जाता है कि फिल्म ने करीब 151 करोड़ तक का कारोबार किया था और इसमें ऋतिक रोशन, ऐश्वर्या राय, अभिषेक बच्चन, उदय चोपड़ा और बिपाशा बसु लीड रोल में थे। बता दें कि यशराज फिल्म्स के बैनर तले इस फिल्म के ज्यादातर हिस्सों की शूटिंग ब्राजील में की गई थी। फिल्म तो अपनी कहानी की वजह से हिट हुई ही थी लेकिन ऋतिक रोशन ऐश्वर्या के बीच किस सीन भी बेहद धमाकेदार रहा था। इस सीन को करने के बाद जहां ऐश्वर्या राय की वजह से जमकर बवाल हुआ था क्योंकि यह पहला मौका था जब एक्ट्रेस ने बड़े पर्दे पर यह किया था। फिल्म में ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय के बीच कुछ मिनट का किस सीन था। यह पहला मौका था जब ऐश्वर्या राय ने स्क्रीन पर किसिंग सीन दिया था। इसके बाद ये सीन बी टाउन की सुर्खियों में आ गया। बता दें कि ये फिल्म की शूटिंग तब हुई थी जब एस और अभिषेक बच्चन की सगाई हो चुकी थी, इसलिए बच्चन फैमिली भी इस सीन को लेकर नाराज थी और बाद में फिल्म से ये सीन हटा दिए गए थे। इतनी ही नहीं, ऐश्वर्या राय का एक इंटरव्यू में बताया गया था कि वे इस सीन को करने के बाद पछड़े में फंस गई और कई लोगों ने उन्हें लीगल नोटिस तक भेज दिए थे। ऐश्वर्या ने एक फैशन मैगजीन को दिए इंटरव्यू में बताया था कि उन सीन की वजह से उन्हें क्या झेलना पड़ा था। उन्होंने कहा था कि वे हॉलीवुड की कई स्क्रिप्ट इसलिए मना कर चुकी हैं क्योंकि वे पर्दे पर फिजिकल सीन्स करने में कम्फर्टेबल नहीं रहती। दोस्तों, धूम उन फिल्मों में से है जिन्होंने बॉलीवुड में सीक्वल फिल्मों के लिए मजबूत धरातल तैयार किया। इस सीरीज की हर फिल्म के साथ भव्यता और एक्शन की जबरदस्त बहार आती गई। इस बार भी कुछ ऐसा ही किया गया था। आमिर खान और कैटरीना कैफ को सरप्राइज पैकेज के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। कैटरीना कैफ के लिए फिल्म में करने के लिए कुछ खास नहीं था, ग्लैमर के तौर पर लाया गया था लेकिन इस्तेमाल नहीं किया गया। फिल्म ठेठ हिंदी सिने प्रेमियों के लिए किसी जिस से कम नहीं है। हर बार की तरह टेक्नोलॉजी, गैजेट्स, बाइक्स और एक्शन इस बार भी हैं। सब हाई क्वालिटी है लेकिन कहानी पूरी तरह बचकानी है। कहानी में है कितना दम, आइए जानते हैं। जैकी श्रॉफ द ग्रेट इंडियन सर्कस चलाते हैं। वह काफी उधार ले लेते हैं और वह उसे चुका नहीं पाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। उसके बाद उनका बेटा साहिर यानी आमिर खान अपनी उस सर्कस को दोबारा से शुरू करने का जिम्मा लेता है और चोरियां शुरू कर देता है। इसमें उसका साथ देती है आलिया यानी कैटरीना कैफ। बस हर बार की तरह जय यानी अभिषेक और अली यानी उदय चोपड़ा चोरियों को रोकने के लिए आ जाते हैं। बस यही से शुरू हो जाता है धूम धड़ाका। हालांकि कहानी में कई लोच हैं, 3 घंटे की फिल्म है। जो बात नहीं पछती है वह यह है कि शिकागो पुलिस नाकाम है और मुंबई पुलिस को बुलाया जाता है और उसके 2 पुलिस अफसर अपने जौहर विदेश में दिखाते हैं। इस तरह की कई बातें जो गले नहीं उतरती। चलिए बात करते हैं स्टार अपील्स के बारे में। अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो आमिर खान की फिल्म जानकर तो कतई मत देखिएगा क्योंकि यह आमिर छाप फिल्मों से एकदम जुदा है। इसमें कोई कहानी नहीं है, थ्रिल नहीं है। कहानी के मामले में आमिर की सबसे कमजोर फिल्मों में से एक कही जा सकती है। आमिर खान नेगेटिव किरदार में नहीं जमते हैं। कहानी पूरी तरह से खामियों से भरी हुई है। आमिर खान के साथ कहीं कहीं कैटरीना की जोड़ी आंखों को बहुत अच्छी नहीं लगती है। कैटरीना को जितना मौका मिला उन्होंने अपना बेस्ट किया। अभिषेक बच्चन जय के किरदार में पहले जैसे ही हैं। अली के किरदार में उदय जमे हैं और वह फिल्म में हंसाने का काम करते हैं। चलिए बात करते हैं कमाई की। फिल्म का बजट 100 करोड़ रुपए से ज्यादा था। फिल्म की टिकट
50 से 900 रुपए तक की थी। बम्पर ओपनिंग की उम्मीद थी और इसकी मार्केटिंग काफी जबरदस्त रही थी और इसकी कमाई भी बहुत ज्यादा हुई थी, जिससे मूवी सुपर हिट ब्लॉकबस्टर हुई थी। धूम सीरीज का तीसरा भाग धूम 3 का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। भारत की यह महंगी फिल्मों में से एक थी और बॉलीवुड को उम्मीद थी कि यह फिल्म आय के मामले में अब तक के सारे कीर्तिमानों को भंग कर देगी। इस बार आमिर खान और कैटरीना कैफ को स्टार कास्ट में जोड़ा गया था। फिल्म की कहानी पर इस बार चोर बनाम पुलिस है, लेकिन एक नए और निराले अंदाज के साथ। तकनीक और एक्शन का तड़का इस फिल्म को भव्य बनाता है। यह कहानी है साहिर यानी आमिर खान की, उसकी ऊर्जा को खतरनाक, उग्र और भयंकर बनाती है। वह किसी को माफ नहीं करता। वह एक ऐसा चोर है जो अपनी राह में रोड़ा बनने वाली हर चीज को नष्ट कर देता है। धूम 3 कहानी है आलिया यानी कैटरीना कैफ की, जो बेहद सरल है लेकिन सर्कस में परफॉर्म करते समय एकदम बदली हुई नजर आती है। निडर आलिया जब सर्कस में परफॉर्म करती है तो लगता है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम है ही नहीं। दिल के मामले में भी वह उतनी ही निडर है। धूम 3 कहानी है ज्योति चैतन्य अभिषेक बच्चन की, जो मुंबई का एक चतुर, दृढ़ निश्चयी, विश्लेषणात्मक और जबरदस्त पुलिस ऑफिसर है। जय अपने विरोधी को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उसका मानना है कि दुश्मन को जाल में फंसाने के लिए कभी कभी दुश्मन की तरह ही सोचना चाहिए। धूम 3 कहानी है अकबर यानी उदय चोपड़ा की, जो मनोरंजन का खजाना है। यह अनिच्छुक पुलिस वाला नागपाड़ा से नियाग्र फाल तक नहीं भी मिल सकता है। फैमिली वाला बनना चाहता है, उसे लड़की की तलाश है। दिल हथेली पर लिए घूमने वाला अली सुंदर लड़की दिखी नहीं कि दिल दे बैठता है। इन किरदारों के इर्द गिर्द धूम 3 की कहानी घूमती है, जो रोमांस से भरपूर है। फिल्म में आमिर खान ने नकारात्मक किरदार निभाया था, जो चालाकी से चोरी करता है। यह फिल्म आईमैक्स के फॉर्मेट में विश्व स्तर पर हिंदी, तमिल एवं तेलुगु भाषा में प्रदर्शित की गई थी। धूम 3 भारत में आईमैक्स फॉर्मेट के प्रदर्शित होने वाली पहली फिल्म थी। यशराज फिल्म्स की बनाई हुई इस फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 280 करोड़ की कमाई की थी। तो चलिए बात करते हैं इसकी कहानी की। फिल्म 1990 से शुरू होती है, जहां इकबाल हारून खान ने जैकी श्रॉफ शिकागो में ग्रेट इंडियन सर्कस नाम का सर्कस चलाता है। सर्कस बहुत से खराब वित्तीय हालत से गुजर रहा है, जिस कारण इकबाल पर बहुत ज्यादा कर्जा है। बेस्टन बैंक ऑफ शिकागो, जिससे इकबाल ने कर्जा लिया है, कर्ज न चुकाने के कारण सर्कस को बंद करवाने के लिए अपने प्रतिनिधियों को भेजता है। इकबाल उनसे विनती करता है कि मेरा शो देखो, अगर आपको पसंद आए तो कर्ज चुकाने के लिए कुछ और मोहलत दे देना। प्रतिनिधि उसका शो देखने के बाद भी सर्कस को बंद कर देने का आदेश देते हैं। इकबाल का छोटा बेटा साहिर भी उनसे विनती करता है, पर वो नहीं मानते हैं। इकबाल बैंक वालों तुम्हारी ऐसी के तैसे कहकर उस सबके सामने आत्महत्या कर लेता है, जिससे उसका छोटा सा बेटा झकझोर जाता है। कई सालों बाद साहिर यानी आमिर खान अब भी वो घटना नहीं भूला है और वो बैंक वालों से बदला लेने की ठानता है। वो कई वेस्टर्न बैंक ऑफ शिकागो की शाखाओं में चोरी करता है और हिंदी में बैंक वालों तुम्हारी ऐसी के तैसे लिखकर अपनी सर्कस वाली कलाबाजी इस्तेमाल कर भाग जाता है, क्योंकि शिकागो पुलिस उसे नहीं पकड़ पा रही है और उन्हें हिंदी भी नहीं आती। इसलिए वो भारतीय पुलिस में से एसीपी जय दीक्षित यानी अभिषेक बच्चन और उसके सहयोगी अली यानी उदय चोपड़ा को मदद के लिए बुलाते हैं। जय साहिर को फंसाने के लिए जानबूझ कर ये बात फैला देता है कि वो ये केस संभाल रहा है और उसे लगता है चोर जरूर कोई शो किया है। इससे साहिर चोरी करने की ठानता है। वो एक समाचार चैनल से इस योजना के बारे में जानकारी इकट्ठा करता है और जय के लिए मुखबिर बनने का नाटक करता है। इस तरह वो बैंक के बारे में जानकारी इकट्ठा कर लेता है और जय को एक सुराग देता पीछे जाने के लिए। अंततः साहिर बैंक में चोरी कर लेता है और मोटरसाइकिल पे भागने लगता है। जय उसको गोली मारता है, पर साहिर भाग जाने में सफल हो जाता है। साहिर ग्रेट इंडियन सर्कस का पुनरुत्थान संस्करण का प्रीमियर करता है अपनी महिला सहयोगी आलिया ने कैटरीना कैफ के साथ, जिसमें उसके साथ एक चाल शामिल है कि एक जगह से गायब हो जाना और दूसरी जगह पे दिखना। शो सफल हो जाता है, लेकिन बाद में जय अली और पुलिस उसे चारों ओर से घेर लेती है, जानते हुए कि वो चोर है। जय कहता है कि सबूत वो गोली का घाव है, पर जब साहिर की जांच की जाती है तो उसके शरीर पर कहीं भी गोली का निशान नहीं होता है। जय और अली सर्कस से चले जाते हैं, जबकि साहिर अपने कमरे में चला जाता है। यहाँ पर पता चलता है कि साहिर का एक जुड़वा भाई है समर, जो उसके सर्कस के चालों और बैंक में चोरी करने में मदद करता है, और वो समर था जिसको गोली लगी थी।
तो चलिए बात करते हैं विपणन की। 30 अक्टूबर को धूम 3 का ट्रेलर यूट्यूब पर जारी किया गया था। इसके पहले बाजार में धूम 3 का ऑफिशियल गेम भी जारी किया गया था, जो कि 99 गेम्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा तैयार किया गया था। यह गेम विंडोज फोन स्टोर पर निःशुल्क में उपलब्ध है। आमिर खान ने धूम श्रृंखला की फिल्मों का शीर्षक धूम मचा ले 2013 में क्रिकेट से संन्यास ले रहे सचिन तेंदुलकर को समर्पित किया था। भारत में असल में अगर किसी मूवी ने यूथ में बाइक का क्रेज पैदा किया है तो वो है बॉलीवुड मूवी धूम। धूम के अब तक 3 पार्ट आ चुके हैं और इसमें ऋतिक रोशन, जॉन अब्राहम, अभिषेक बच्चन, उदय चोपड़ा, यहां तक कि मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहे जाने वाले आमिर खान भी सड़कों पर बाइक दौड़ा चुके हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पिछले साल आई धूम 3 में जो बाइक आमिर खान ने चलाई थी उसमें ऐसा क्या था जो कि उसे धूम सीरीज की सभी अन्य बाइक से अलग बनाता है? आइए हम आपको बताते हैं आखिर क्यों है ये बाइक इतनी खास। धूम 3 में आमिर खान ने जिस बाइक से सांसें थमा देने वाले स्टंट जिस बाइक से किए थे उसका नाम है BMW के 1300R। BMW ये बाइक अपनी पुरानी के 1200R को रिप्लेस कर मार्केट में लेकर आई थी। के 1300R में 1293cc का इंजन लगा है जो कि 173 BHP की पावर देता है। कुछ सेकंडों में पकड़ लेती है 100 की स्पीड। BMW के 1300R स्पीड के मामले में कई स्पोर्ट्स बाइक को पीछे छोड़ती नजर आती है। ये बाइक महज 2.81 सेकंड्स में 0 टू 100 किलोमीटर पर हावर की रफ्तार पकड़ लेती है। आइए जानते हैं कितना देती है माइलेज। इस बाइक का यूल टैंक 19 लीटर का है जिसमें 4 लीटर रिजर्व यूल कैपेसिटी है। एक बार टैंक फुल करने पर यह 1300R 320 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकती है। कंपनी का दावा है कि ये बाइक 17 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देती है। ये है इसकी कीमत। के 1300R जैसी बाइक खरीदने के लिए धूम 3 का आमिर खान बनने के लिए आपको लाखों रुपए खर्च करने पड़ेंगे, क्योंकि इस बाइक की कीमत तकरीबन 25 लाख रुपए है। अजय देवगन अपनी फ्लॉप फिल्म होने का कारण यशराज की फिल्म धूम 3 को मानते थे। वो अपनी नई फिल्म दर्शन के साथ एक बार फिर दर्शकों के सामने आ रहे थे। BBC ने उनसे खास बातचीत की। अजय देवगन के अनुसार फिल्म एक्शन जैक्शन बनाते समय ही हमें अंदाजा हो गया था कि फिल्म नहीं चलेगी, क्योंकि हमारी फिल्म और धूम 3 की कहानी लगभग एक जैसी थी। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से नुकसान के साथ धूम 3 के चलते फिल्म तैयार होने में भी देरी हुई थी। अजय ने कहा, फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाली थी, कहानी भी लाख हो गई थी, सेट लग गया था, पर शूटिंग के कुछ ही दिन पहले हमें पता चला कि हमारी कहानी से मिलती जुलती बड़ी फिल्म आमिर की धूम 3 रिलीज होने वाली है। फिर हमें कहानी बदलनी पड़ी और कहानी बदलते बदलते मेरे निर्माता दोस्त के काफी नुकसान हो गया था। ये कहने पर कि रिमेक फिल्में सिर्फ व्यवसायिक कारणों से बनाई जाती हैं, अजय कहते हैं, ऐसा कहने वाले लोग जो बनाते हैं क्या वो आर्ट है? रिमेक का ट्रिब्यूट होता है जिसे बनाना आसान काम नहीं है। अजय के अनुसार किसी फिल्म को बड़े ऑडियंस के लिए अडाप्ट करना और अभिनेताओं से परफॉर्मेंस निकलवाना बहुत बड़ा काम होता है। अजय आगे कहते हैं, सिर्फ बॉलीवुड में ही नहीं साउथ में भी हमारी फिल्मों का रिमेक होता है। मैं तो कहूंगा कि रिमेक साहित्य का आदान प्रदान है। दरअसल में अजय देवगन एक आम आदमी का किरदार निभा रहे थे जिसका परिवार कानूनी मामले में फंस जाता है। जिस तरह से अपनी सूझबूझ से एक आम आदमी अपने परिवार को सिस्टम से बचाता है, इसी पर यह कहानी आधारित है। दोस्तों, धूम उन फिल्मों में से है जिन्होंने बॉलीवुड में सीक्वल फिल्मों के लिए मजबूत धरातल तैयार किया। इस सीरीज की हर फिल्म के साथ भव्यता और एक्शन की जबरदस्त बहार आती गई। इस बार भी कुछ ऐसा ही किया गया था। आमिर खान और कैटरीना कैफ को सरप्राइज पैकेज के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। कैटरीना कैफ के लिए फिल्म में करने के लिए कुछ खास नहीं था, ग्लैमर के तौर पर लाया गया था लेकिन इस्तेमाल नहीं किया गया। हर बार की तरह टेक्नोलॉजी, गैजेट्स, बाइक्स और एक्शन इस बार भी हैं। सब हाई क्वालिटी है लेकिन कहानी पूरी तरह बचकानी है। कहानी में है कितना दम, आइए जानते हैं। जैकी श्रॉफ द ग्रेट इंडियन सर्कस चलाते हैं। वह काफी उधार ले लेते हैं और वह उसे चुका नहीं पाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। उसके बाद उनका बेटा साहिर यानी आमिर खान अपनी उस सर्कस को दोबारा से शुरू करने का जिम्मा लेता है। और धूम फ्रेंचाइजी में खलनायक को इस तरह पेश किया जाता है कि दर्शकों की सारी सहानुभूति खलनायक के साथ होती है। हीरो की भूमिका चरित्र कलाकार जैसी होती है। धूम 3 के खलनायक को नायक जैसा पेश किया गया है, क्योंकि उसके पास कारण है कि वह गलत काम क्यों कर रहा है। यह कारण दरअसल एक इमोशनल कहानी है और यही बात धूम 3 को इस श्रृंखला की पिछली फिल्मों से अलग करती है। पिछली फिल्मों से इमोशंस की कमी महसूस की गई थी।
जिसे इस कड़ी में पूरा किया गया है। यह निर्देशक की कामयाबी है कि दर्शकों को भावात्मक रूप से यह फिल्म पहले 10 मिनट में ही जोड़ लेती है। जब इकबाल यानी जैकी श्राफ शिकागो स्थित अपने ग्रेट इंडियन सर्कस को बैंक के कर्जे से बचाने की कोशिश करता है, यहीं पर दर्शक इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि साहिर यानी आमिर खान के पिता के साथ गलत हुआ है और साहिर बड़ा होकर गलत राह पर क्यों चल रहा है। इस बात को अच्छी तरह स्थापित कर दिया गया है। बैंक कर्ज वसूली में शक्ति दिखाता है तो मासूम साहिर के सामने उसके पिता आत्महत्या कर लेते हैं। यही से साहिर और बैंक के बीच दुश्मनी हो जाती है और वह बड़ा होकर बैंक को बर्बाद करने के मिशन में जुट जाता है। यह बात पता चल जाती है कि बैंक को बर्बाद करने वाला एक भारतीय है। तो भारत से दो पुलिस ऑफिसर अभिषेक बच्चन और उदय चोपड़ा भेजे जाते हैं। फिर शुरू होता है चोर और पुलिस के बीच चूहे बिल्ली का खेल। फिल्म की कहानी सामान्य है लेकिन इसे असाधारण बनाता है महंगे लोकेशन, शानदार सेट्स, जबरदस्त सिनेमेटोग्राफी। वैसे धूम सीरीज की फिल्मों में कहानी से ज्यादा महत्वपूर्ण स्टाइल और स्टंट है। पहला हाफ फिल्म को इतनी ऊंचाइयों पर ले जाता है कि यह स्टंट और तकनीकी रूप से हॉलीवुड फिल्मों को टक्कर देती है। एक के बाद एक आइटम पेश किए जाते हैं। आमिर खान जबरदस्त तरीके से एंट्री लेते हैं। ऊंची बिल्डिंग की दीवार से वे उतरते हैं और सड़क पर डॉलर्स की बारिश होती है। फिर आता है एक चेंजिंग सीन जो धूम सीरीज की फिल्मों की खासियत होती है। अत्याधुनिक BMW बाइक पर बैठे साहिर जब पुलिस को नचाता है तो दर्शकों की सांसें थम जाती हैं। जय और अली की एंट्री के लिए भी एक्शन सीन गढ़ा गया है जो सिर्फ फिल्म की लंबाई बढ़ाता है। फिल्म की हीरोइन कटरीना कैफ भी फिल्म में धमाकेदार एंट्री करती हैं। कमली गाने पर उनका डांस काबिले तारीफ है। जय अली और साहिर के बीच वाला चेंजिंग सीन फिल्म का प्रमुख आकर्षण है। इस सीन को अद्भुत तरीके से शूट किया गया है। इस सीन में जय गोली चलाता है तो साहिर की पीठ पर लगती है। कुछ देर बाद साहिर को गिरफ्तार करने जय उसके सर्कस में पहुंचता है तो यह जानकर दंग रह जाता है कि साहिर की पीठ पर किसी भी किस्म का चोट का निशान नहीं है। जय के साथ दर्शक भी चौंकते हैं कि यह रहस्य क्या है और यहीं पर इंटरवल होता है। इंटरवल के बाद हाफना ज्यादातर फिल्मों की कमजोरी है और धूम 3 भी इसका शिकार है। एक्शन और स्टंट से फोकस हटकर ड्रामे पर आ जाता है और स्क्रीन प्ले की कमजोरियां उभरने लगती हैं। रहस्य पर से पर्दा हटाया जाता है जो कई तरह के सवालों को जन्म देता है जिसके संतोषजनक उत्तर नहीं मिलते हैं। कहानी में रोमांटिक ट्रेंड को जबरन घुसेड़ा गया है जिसकी जगह नहीं बनती है। साहिर का कड़ी सुरक्षा के बीच हर बार आसानी से बैंक में घुसना हैरत में डालता है। फिल्म के दूसरे हाफ में एक्शन की कमी महसूस होती है। इन सब कमियों के बीच एक अच्छी बात यह है कि बोरियत नहीं होती, ड्रामे में दिलचस्पी बनी रहती है। उम्मीद रहती है कि क्लाइमैक्स में जबरदस्त एक्शन देखने को मिलेगा लेकिन अपेक्षा से कम देखने को मिलता है। फिल्म का निर्देशन किया है विजय कृष्ण आचार्य ने। उन्होंने धूम सीरीज के सारे भाग लिखे हैं। टैशन जैसी भुला देने लायक फिल्में निर्देशित कर चुके हैं। इसके बावजूद फिल्म के निर्माता आदित्य चोपड़ा ने उनको यशराज फिल्म की सबसे महंगी फिल्म निर्देशित करने का जिम्मा दिया। विजय का काम एक्शन डायरेक्टर और कोरियोग्राफर ने काफ़ी आसान कर दिया। ड्रामे वाले हिस्से को संभालने में विजय थोड़ा लड़खड़ाए हैं। आमिर खान के फिल्म से जुड़ने से दर्शकों की अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। आमिर खान के किरदार के बारे में ज़्यादा बात इसलिए नहीं की जा सकती है क्योंकि इससे फिल्म के रहस्य से पर्दा हट जाएगा। जहां तक अभिनय का सवाल है तो आमिर ने अपना काम गंभीरता से किया है लेकिन उनसे और बेहतर की अपेक्षा थी। धूम जैसी फिल्मों के किरदार को जो ग्लैमर चाहिए था उसमें आमिर थोड़ा कमजोर पड़ गए। कैटरीना कैफ डोड बॉडी में बेहद खूबसूरत नजर आईं लेकिन उनका रोल बेहद छोटा है। निर्देशक उनके ग्लैमर का पूरा उपयोग नहीं कर पाए। अभिषेक बच्चन और उदय चोपड़ा अपने किरदारों को उसी अंदाज में बढ़ाते नजर आए। जैकी श्राफ छोटे रोल में छाप छोड़ते हैं। प्रीतम का संगीत औसत किस्म का है लेकिन गानों का फिल्मांकन आंखों को राहत देता है। मलंग और कमली की कोरियोग्राफी बहुत बढ़िया है। जूलियस पैकियम का बैकग्राउंड स्कोर उम्दा है। सुदीप चटर्जी की सिनेमाटोग्राफी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की है जो फिल्म को भव्य लुक देती है। एक्शन और स्टंट हॉलीवुड फिल्मों की टक्कर के हैं। धूम 3 5 में से 3 अंक के लायक है लेकिन सिनेमाटोग्राफी, लोकेशंस और बाइक थ्रिल के कारण आधा अंक अतिरिक्त दिया गया है। धूम सीरीज का तीसरा भाग धूम 3 का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। भारत की यह महंगी फिल्मों में से एक है और बॉलीवुड को उम्मीद थी कि यह फिल्म आय के मामले में अब तक के सारे कीर्तिमानों को भंग कर देगी। इस बार आमिर खान और कैटरीना कैफ को स्टार कास्ट में जोड़ा गया था। फिल्म की कहानी फिर इस बार चोर बनाम पुलिस है लेकिन एक नए और निराले अंदाज के साथ। तकनीकी और एक्शन का तड़का इस फिल्म को भव्य बनाता है। यह कहानी है साहिर यानी आमिर खान की जिसकी ऊर्जा उसे खतरनाक, उग्र और भयंकर बनाती है। वह किसी को माफ नहीं करता। वह एक ऐसा चोर है जो अपनी राह में दौड़ा बनने वाली हर चीज को नष्ट कर देता है। धूम 3 कहानी है आलिया ने कैटरीना कैफ की जो बेहद सरल है लेकिन सर्कस में परफॉर्म करते एकदम बदली हुई नजर आती है। निडर आलिया जब सर्कस में परफॉर्म करती है तो लगता है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम ही नहीं है। दिल के मामले में वह इतनी ही निडर है।
धूम थ्री कहानी है जय दीक्षित यानी अभिषेक बच्चन की, जो मुंबई का एक चतुर, दृढ़ निश्चयी, विश्लेषणात्मक और ज़बरदस्त पुलिस ऑफिसर है। जय अपने विरोधों को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उसका मानना है कि दुश्मन को जाल में फंसाने के लिए कभी कभी दुश्मन की तरह सोचना पड़ता है। धूम थ्री कहानी है अली अकबर यानी उदय चोपड़ा की, जो मनोरंजन का खजाना है। यह अनिच्छुक पुलिस वाला नागपाड़ा से नियाग्रा फाल तक कहीं पर भी मिल सकता है। फैमिली वाला बनना चाहता है और उसे लड़की की तलाश है। दिल हथेली पर लेकर घूमने वाला अली सुंदर लड़की दिखी नहीं कि दिल दे बैठता है। इन किरदारों के इर्द गिर्द धूम थ्री की कहानी घूमती है, जो रोमांस से भरपूर है। धूम थ्री 2013 की बहुप्रतीक्षित हिंदी फिल्म है, जिसे विजय कृष्ण आचार्य ने निर्देशित किया है। धूम का पहला संस्करण 2004 में जबकि धूम 2 2006 में रिलीज हुई थी। यह दोनों ही फिल्में सुपरहिट रही थी। पहली धूम में जॉन अब्राहम और दूसरी में ऋतिक रोशन ने खलनायक की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म की लागत थी 150 करोड़ रुपए और इसकी कुल कमाई हुई थी 542 करोड़ रुपए। फिल्म में आमिर खान ने नकारात्मक किरदार निभाया है, जो चालाकी से चोरी करता है। यह फिल्म आईमैक्स के फॉर्मेट में विश्व स्तर पर हिंदी, तमिल एवं तेलुगु भाषा में प्रदर्शित की गई थी। धूम थ्री भारत में आईमैक्स फॉर्मेट में प्रदर्शित होने वाली पहली फिल्म है। यशराज फिल्म्स की बनाई हुई इस फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 280 करोड़ रुपए की कमाई की थी। धूम फिल्म 1990 से शुरू होती है, जहां इकबाल फारूक खान यानी जैके श्रॉफ शिकागो के ग्रेट इंडियन सर्कस का सर्कस चलाता है। सर्कस बहुत ही खराब वित्तीय हालत से गुजर रहा होता है, जिस कारण इकबाल पर बहुत ज्यादा कर्जा होता है। वेस्टर्न बैंक ऑफ शिकागो, जिससे इकबाल ने कर्जा लिया है, कर्ज न चुकाने के कारण सर्कस को बंद करवाने के लिए अपने प्रतिनिधियों को भेजता है। इकबाल उनसे विनती करता है कि मेरा शो देखो, अगर आपको पसंद आए तो कर्ज चुकाने के लिए कुछ और मोहलत दे देना। प्रतिनिधि उसका शो देखने के बाद भी सर्कस को बंद कर देने का आदेश देते हैं। इकबाल का छोटा सा बेटा साहिर उनसे विनती करता है, पर वो नहीं मानते हैं। इकबाल बैंक वाला तुम्हारी माँ की ऐसी की तैसी कहकर सबके सामने आत्महत्या कर लेता है, जिससे उसका छोटा सा बेटा झकझोर जाता है। कई सालों बाद साहिर ने आमिर खान अब भी वो घटना नहीं भूला है और वो बैंक वालों से बदला लेने की ठानता है। वो कई वेस्टर्न बैंक ऑफ शिकागो की शाखाओं में चोरी करता है और हिंदी में बैंक वालों तुम्हारी ऐसी की तैसी लिखकर अपनी सर्कस वाली कलाबाजी इस्तेमाल करके भाग जाता है, क्योंकि शिकागो पुलिस उसे नहीं पकड़ पा रही और उन्हें हिंदी भी नहीं आती। इसलिए वो भारतीय पुलिस से ACP जय दीक्षित यानी अभिषेक बच्चन और उसके सहयोगी अली यानी उदय चोपड़ा को मदद के लिए बुलाते हैं। जय साहिर को फंसाने के लिए जानबूझकर ये बात फैला देता है कि वो ये केस संभाल रहा है और उसे लगता है चोर जरूर कोई शौकिया है। इससे साहिर चोरी करने की ठानता है। वो एक समाचार चैनल से इस योजना के बारे में जानकारी इकट्ठा करता है और जय के लिए मुखबिर बनने का नाटक करता है। इस तरह बैंक के बारे में जानकारी इकट्ठा कर लेता है और जय को एक सुराग देता है पीछे जाने के लिए। अंततः साहिर बैंक में चोरी कर लेता है और मोटरसाइकिल पर भागने लगता है। जय उसको गोली मारता है पर साहिर भाग जाने में सफल हो जाता है। साहिर ग्रेट इंडियन सर्कस का पुनरुत्थान संस्करण का प्रीमियर करता है अपनी महिला सहयोगी आलिया यानी कैटरीना कैफ के साथ, जिसमें उसके साथ एक चाल शामिल है कि एक जगह से गायब हो जाना और दूसरी जगह पर दिखना। लेकिन बाद में जय, अली और पुलिस उसे चारों ओर से घेर लेती है, जानते हुए कि चोर वो है। जय कहता है कि सबूत वो गोली का घाव है, पर साहिर की जांच की जाती है तो उसके शरीर पर कहीं पर भी गोली का निशान नहीं होता है। जय और अली सर्कस से चले जाते हैं, जबकि साहिर अपने कमरे में चला जाता है। यहाँ पर पता चलता है कि साहिर का एक जुड़वा भाई है समर, जो कि उसके सर्कस के चालों और बैंक में चोरी करने में मदद करता है, और वो समर था जिसको गोली लगी थी। 30 अक्टूबर को धूम थ्री का ट्रेलर यूट्यूब पर जारी किया गया था। इसके पहले बाजार में धूम थ्री का ऑफिशियल गेम भी जारी किया गया था, जो कि 99 गेम प्राइवेट लिमिटेड द्वारा तैयार किया गया था। यह गेम विंडोज फोन स्टोर पर निशुल्क उपलब्ध है। आमिर खान ने धूम श्रृंखला की फिल्मों का शीर्षक धूम मचाले 2013 में क्रिकेट के संन्यास ले रहे सचिन तेंदुलकर को समर्पित किया था। यह कहना गलत होगा कि धूम सीरीज की तीसरी फिल्म आमिर खान के रंगों से सराबोर है। विजय कृष्ण आचार्य की इस फिल्म में आमिर खान छाए हुए हैं और सिर्फ उनका ही जलवा दिखा है। एक मामूली कहानी को एक सुपरस्टार पावर के जरिए एक्शन के उस हद तक ले जाया जा सकता है जहां फिल्म शानदार और जानदार फिल्म बन जाती है। यह कहना गलत नहीं होगा कि फिल्म आमिर खान के स्टार पावर की नुमाइश है। फिल्म के तकरीबन हर फ्रेम में वे छाए रहते हैं, उनके सामने हर कलाकार बौना ही नजर आता है। धूम थ्री की कहानी में जादूगर इकबाल ने जैके श्रॉफ का शिकागो में अपना सर्कस है, लेकिन वह ज़्यादा नहीं चलता। सर्कस को नीलाम करने की नौबत आ जाती है। जादूगर इकबाल का वह आखिरी शानदार कर्तव्य ही उसके सर्कस को बचा नहीं पाता और वो खुदकुशी कर लेता है। उसका बेटा साहिर यानी आमिर खान बदला लेने की ठान लेता है। उसका एक ही मकसद है, बैंक को तबाह करना और अपना सर्कस वापस शुरू करना। इसी के तहत वो बैंक के हर ब्रांच में चोरियाँ शुरू करता है।
लेकिन साहिर को कोई पकड़ नहीं पाता। इसके पीछे एक बड़ा राज है। यही राज या रहस्य धूम 3 की कहानी का ट्विस्ट है। एक्टिंग की बात करें तो आमिर ने सबको पछाड़ दिया है। उन्होंने एक बार फिर साबित किया है कि उन्हें मिस्टर परफेक्शनिस्ट यू ही नहीं कहा जाता है। अभिषेक बच्चन के हिस्से में ज्यादा कुछ दिखाने को नहीं है। अभिषेक बच्चन और कैटरीना का अभिनय समान है, लेकिन जैकी श्रॉफ की भूमिका शानदार है। धूम 3 का गीत संगीत बेहद साधारण है। धूम सीरीज की पहली फिल्म का गीत धूम मचाले बेहद पॉपुलर रहा था, लेकिन इस फिल्म का गीत ही नहीं बल्कि टाइटल ट्रैक भी असरदार नहीं है। धूम 3 के साथ निर्देशक विजय कड़ाचार्य ने वापसी की है और इसके पहले वह टसन जैसी फिल्म को निर्देशित कर चुके हैं जो बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुँह गिरी थी। लेकिन एक्शन और रोमांस कैटेगरी की श्रेणी में यह फिल्म बेमिसाल है और देखी जानी चाहिए, जो खुद को अलग हटकर ला खड़ा करती है। धूम 3 की स्टोरी वही पुरानी है जो चोरी और चेज के सहारे आगे बढ़ती हुई प्लानिंग और स्ट्रेटजी के मोड़ से गुजरती है। आमिर एक परफेक्ट टेप है, कैटरीना उसका प्यार और साथ है। हमेशा की तरह पुलिस ऑफिसर जय दीक्षित यानी अभिषेक बच्चन और उसका साथी अली यानी उदय चोपड़ा है, जो इन स्मार्ट चोरों को काबू में करने की कोशिश में लगे हैं। तो सवाल है कि फिर इस फिल्म में नया देखने लायक क्या है? इस सवाल का जवाब पूरे सारे रीजंस के साथ दिया जा सकता है, पर हम आपको कुछ बता रहे हैं ताकि आप फिल्म जरूर देखें और इस बात को माने कि हमारी इस फिल्म को देखने जाने की एडवाइस कितनी सही थी। पहली वजह तो इस फिल्म में वह सब कुछ है जिसके लिए कोई फिल्म लवर एक मूवी देखना चाहता है। सच तो यह है कि फिल्म अपने प्रोडक्शन हाउस और फर्स्ट दोनों पार्ट की सक्सेस के कारण ही नहीं, एक सेपरेट स्ट्रांग मूवी के तौर पर भी देखने लायक है। फिल्म एक बेहतरीन थ्रिलिंग और एंटरटेनिंग एक्सपीरियंस है। इसे न देखकर आप अपनी यादों के कलेक्शन में 100% कुछ मिस कर देंगे। यशराज बैनर के लिए धूम यकीनन एक ऐसा ब्रांड बन चुका है जिससे बैनर की प्रतिष्ठा जड़ चुकी है। यही वजह है बजट के मामले में कुछ ज़्यादा ही कंजूस माना जाने वाला है बैनर धूम सीरीज की हर नई फिल्म हर पिछली फिल्म से ज़्यादा कहीं पैसा लगाता है। करीब 100 करोड़ के भारी भरकम बजट में बनी इस फिल्म में जबरदस्त एक्शन और ड्रामा तो है ही, इसके साथ ही इसमें आपको बेहतरीन विजुअल इफेक्ट भी देखने को मिलेंगे। यकीनन धूम 3 के कई एक्शन सीन हॉलीवुड फिल्मों को टक्कर देने के काम करते हैं। इस फिल्म के क्रेज का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने लगने से पहले करीब 7 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई एडवांस बुकिंग के दम पर कर ली थी। कुछ साल पहले इसी बैनर के लिए मेगा बजट मल्टी स्टारर टसन जैसे सुपर फ्लॉप बना चुके डायरेक्टर विजय कृष्णाचार्य ने लंबे ब्रेक के बाद इस बार पूरा होमवर्क करने के बाद ही इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया। इंटरवल के बाद उदय चोपड़ा और अभिषेक बच्चन के कुछ सीन को नजरअंदाज कर दिया जाए तो 3 घंटे की लंबी अवधि की इस फिल्म में दर्शकों को स्टार्ट टू फिनिश अपनी सीटों के साथ बांधे रखने का दम है। यकीनन धूम सीरीज की इस फिल्म में आमिर खान की मौजूदगी ही बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म के क्रेज को कई गुना बढ़ाती है। इस फिल्म को देखने के बाद लगता है डायरेक्टर विजय भी आमिर के जादू में कुछ ऐसे ही बन से गए हैं कि फिल्म के बाकी बचे 3 अहम किरदारों विजय दीक्षित अली और आलिया के किरदारों को उभरने का ज्यादा मौका नहीं दिया। धूम 3 आमिर खान की फिल्म है। इस फिल्म की रिकॉर्ड कामयाबी का सबसे ज्यादा फायदा बैनर और फिल्म के डायरेक्टर के बजाय आमिर खान को ही हुआ था। धूम 3 मूवी में दिखाया गया है कि अमेरिका के शिकागो में इकबाल हारून खान यानी जैकी श्रॉफ की ग्रेट इंडियन सर्कस कंपनी है। पिछले कुछ सालों से लगातार घाटे की वजह से इकबाल की सर्कस कंपनी बंद होने की कगार पर पहुंच चुकी है। कुछ साल पहले इकबाल ने शहर के जिस प्रतिष्ठित बैंक से मोटा कर्ज लिया था वह बैंक अपने कर्ज वसूलने के लिए सर्कस कंपनी को नीलाम करना चाहता है। बैंक सर्कस को नीलाम करे इससे पहले इकबाल परेशान होकर अपने बेटे साहिर खान की आंखों के सामने खुद को गोली मार लेता है। इस घटना को अब कई साल गुजर चुके हैं लेकिन आज भी साहिर अपने पापा की मौत नहीं भुला पाया है। साहिर अपने पापा की खुदकुशी के लिए बैंक और उसके आला अफसरों को जिम्मेदार मानता है। साहिर का मिशन बैंक को मोटा नुकसान पहुंचाना और इसके आला अफसरों से बदला लेना है। साहिर ने बचपन में पापा से जादू और जिम्नास्टिक की ट्रेनिंग ली थी। एक बार फिर शिकागो पहुंचकर साहिर उसी बैंक की अलग अलग शाखाओं को लूटता रहता है जिस बैंक की वजह से उसके पापा ने खुदकुशी की थी। साहिर बैंक से लूट की रकम का बड़ा हिस्सा लोगों में बांट देता है। साहिर बैंक को लूटने में पापा से सीखी ट्रिक्स का सहारा लेकर हर बार पुलिस को चकमा देता है। शिकागो की पुलिस जब साहिर को पकड़ नहीं पाती तब हार कर भारतीय पुलिस की मदद लेती है। इसकी खास वजह साहिर द्वारा हर बैंक लूटने के बाद हिंदी में एक खास मैसेज लिखा जाना है। भारत से जय दीक्षित ने अभिषेक बच्चन और अली ने उदय चोपड़ा को शिकागो भेजा जाता है। विजय के काम करने का अंदाज अलग है। विजय शिकागो आते ही साहिर को टीवी चैनलों के जरिए बैंक किसी ब्रांच को लूटने का चैलेंज देता है। साहिर इस चैलेंज के बाद खुद को जय के पास पहुंचाता है। इसी बीच जय को पता चलता है कि साहिर ही वह चोर है जिसे पकड़ने के लिए वह अली के साथ यहां आया है। आलिया ने कैटरीना कैफ साहिर की सर्कस टीम में होती है। साहिर को रंगे हाथ पकड़ने के लिए विजय दीक्षित एक प्लान बनाता है। साहिर कुछ ऐसा करता है जिसकी वजह से विजय का प्लान उसी पर भारी पड़ता है। शिकागो पुलिस और बैंक के अफसर इस केस से विजय को हटा देते हैं। आमिर खान की बात की जाए तो धूम 3 उनकी सबसे फिल्मों में से एक कही जाएगी। पूरी फिल्म में आमिर का
हर बार एक नया लुक देखने को मिलता है। यकीनन आमिर ने इस फिल्म के लिए बेहद मेहनत की है, जिसका रिजल्ट भी पर्दे पर दिखता है। आमिर के एक्शन स्टंट और इमोशन सीन खूब बन पड़े हैं। अभिषेक बच्चन एक बार फिर वैसे ही सपाट चेहरे के साथ नजर आए, जैसा कि इस सीरीज की पिछली फिल्मों में वह दिख चुके हैं। उदय चोपड़ा की क्या बात करें, आदित्य ने उनके लिए जो कॉमिक तरस फिल्म में रखे उनसे ज्यादा अच्छे लगे हैं। जैकी श्राफ का किरदार बेशक छोटा है, लेकिन उनकी एक्टिंग बेहतरीन है। विजय कृष्ण आचार्य का डायरेक्शन एक्शन रोमांच के साथ दर्शकों को कहानी के साथ पूरी तरह से बांधने में कामयाब है। टशन के बाद इस बार उन्होंने ऐसी फिल्म बनाई है जो सिंगल स्क्रीन से मल्टीप्लेक्स तक हर क्लास की कसौटी पर काफी हद तक खरी उतरने का दम रखती है। आमिर खान द्वारा अपनी बैटमैन स्टाइल से किए गए रेसर सीक्वेंस शानदार हैं, जो हॉलीवुड फिल्मों को टक्कर देते हैं। वही फिल्म की लोकेशन गजब है। प्रीतम का संगीत इस बार उनके फैंस की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। टाइटल ट्रैक धूम मचाले मलंग मलंग और कमली का फिल्मांकन गजब का है। इसका क्रेडिट संगीतकार से ज्यादा भाईबी मार्चेंट को जाता है। ऐसी फिल्में बॉलीवुड में कम ही बन पाती हैं। अगर आप आमिर खान के फैन हैं तो धूम 3 मिस ना करें। अगर आप 3 घंटे मौज मस्ती और कुछ नएपन के साथ गुजारना चाहते हैं तो आप ये फिल्म जरूर देखें। धूम 3 फिल्म में भी चोर पुलिस की कहानी दिखाई गई है, पर आमिर खान के पहली बार किसी फिल्म में चोर का रोल निभाने से इस फिल्म को नई पहचान मिल गई है। आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्मित धूम सीरीज की 3री फिल्म में आमिर, कैटरीना कैफ, अभिषेक बच्चन और उदय चोपड़ा मुख्य किरदार में हैं। धूम फिल्म में साहिर यानी आमिर खान एक चोर है जो कि जोकर के बेस में चोरी करता है। जय दीक्षित यानी अभिषेक बच्चन और उसका साथी अली अकबर यानी उदय चोपड़ा चोर को पकड़ने के लिए तमाम कोशिशें करते हैं। फिर शुरू होता है जय दीक्षित और साहिर के बीच चोर पुलिस का खेल। इस खेल में आलिया ने कैटरीना कैफ साहिर का साथ देती है। वैसे तो फिल्म धूम 3 की कहानी पुरानी ही है, पर निर्देशक विजय कृष्ण आचार्य ने इसे जिस एक्शन सीन के साथ निर्देशित किया है वो सच में तारीफ योग्य है। आमिर खान को फिट बॉडी के साथ एक्शन सीन करते हुए देखना काबिले तारीफ है। धूम 3 फिल्म में सिर्फ 2 हीरो हैं, एक आमिर खान और दूसरा बाइक्स। इस पूरी फिल्म को सफल बनाने का भार सिर्फ और सिर्फ आमिर खान के कंधे पर ही है, और इस बात को बिल्कुल भी नकारा नहीं जा सका कि इस 2.5 घंटे तक वो इस काम के लिए पूरी कोशिश करते हैं। आमिर के अलावा फिल्म में कई बेहतरीन स्टंट भी हैं। शानदार गाड़ियों के साथ लोगों ने जो उम्मीद लगाई थी वो इस फिल्म में पूरी भी हुई है। खास बात यह है कि इस फिल्म में दिखाई गई कई बाइक्स आपने अब तक किसी बॉलीवुड फिल्म में नहीं देखी होगी। फिल्म में कई ट्विस्ट हैं और साथ ही आपको एक माइंड ब्लोइंग इंटरवल भी मिलेगा। क्लाइमैक्स आपको निराश कर सकता है और ये ऐसा है जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं की होगी। फिल्म में दिखाई गई मैजिक ट्रिक शानदार है। सर्कस के सीन काफी अपीलिंग है और हाँ, चोरी भी काफी आकर्षक है। इस फिल्म में चोरी भी ऐसी दिखाई गई है जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। हीरो का पार्ट पहले से सेट है और फिल्म में कोई लीड एक्ट्रेस नहीं है। ऐसा लगता है कि यशराज ने कैटरीना कैफ को सिर्फ 3 गानों, 3 डायलॉग्स और एक छोटे से किस के लिए ही साइन किया था। हाँ, एक बात जरूर है कि अपनी डांस परफॉर्मेंस से कैटरीना ने खुद को इंडस्ट्री का लेडी ऋतिक रोशन जरूर साबित कर दिया है। अब धूम फ्रेंचाइजी की कोई भी फिल्म हॉट गर्ल के बिना तो अधूरी है। ऐसे में कैट को लेने का कारण साफ समझ में आता है। अभिषेक बच्चन भले ही किसी छत पर खड़े होकर ये चिल्ला ले कि वो फिल्म के हीरो हैं, लेकिन असल में वह नहीं है। वो तो अपना रोल ही बहुत मुश्किल से कर पाए हैं। वैसे हाँ, फिल्म को देखने के बाद इससे पहले कि आप आमिर के लिए खड़े होकर ताली बजाएं, एक बार उदय चोपड़ा के लिए 2 मिनट का मौन जरूर रख लें। वैसे अगर इस फिल्म में तीसरा कोई हीरो या हीरोइन है तो वो VFX है, जिसके सपोर्ट से फिल्म बेहतर बनी, ना कि पुलिस वालों की वजह से। धूम 3 में कई ऐसी चीजें हैं जो लीक से हटकर फिल्माई गई हैं। आमिर के पिता जैकी श्राफ एक जादूगर होते हैं जो द ग्रेट इंडियन सर्कस के मालिक होते हैं और सुसाइड कर लेते हैं। वो शिकागो के एक बैंक से लिया हुआ लोन वापस नहीं कर पाते हैं और उन्हें बैंक वाले धमकाते हैं कि वो उनके सर्कस को नीलाम कर देंगे। आमिर के पिता इस दबाव को सह नहीं पाते और बेटा पिता की मौत भूल नहीं पाता। इसके बाद से ही कहानी शुरू होती है कि कैसे वो बेटा एक चोर कम जादूगर बनता है और बैंक से बदला लेता है। फिल्म के आमिर के 2 डायलॉग हैं जो वाकई सुनने लायक हैं। पहला, बंदे हैं हम उसके, हम पे किसका जोर, उम्मीदों के सूरज निकले चारों ओर, इरादे हैं फौलादी हिम्मती हर कदम, अपने हाथों किस्मत लिखने आ चले हैं हम। यही वो डायलॉग है जो पूरी फिल्म को बांधे रखता है। इसके अलावा एक दूसरा डायलॉग है जो आमिर खान से कहते हैं, तुम्हारे पास 5 मिनट हैं, 1 सेकंड के लिए भी मेरी नज़र तुमसे नहीं हटनी चाहिए। अगर अभिषेक के नीरज अभिनय उदय चोपड़ा के बेवकूफ़ चुटकुले
पुरानी सी स्क्रिप्ट और निराशजनक एडिटिंग के अलावा फिल्म में कुछ है तो वो आमिर खान ही है। उनके स्टंट के समय तो आप पलके भी नहीं झपका सकते और इसका पूरा क्रेडिट आमिर को ही जाता है। अगर दर्शक हैट पहनकर फिल्म देख रहा है तो हैट्स ऑफ करके ही थिएटर से बाहर निकलेगा। वाकई ये साल आमिर खान ने धूम के साथ ही खत्म किया था। और हाँ, 3 का टाइटल भी गलत नहीं है क्योंकि आमिर की एक्टिंग इतने गुना बेहतर थी। वैसे ऋतिक रोशन के लिए भी एक सुझाव है कि क्रिश 4 के बारे में सोचने से पहले एक बार फिल्म जरूर देख लें। धूम बाइक्स और चोरी की फिल्म थी, धूम 2 चोरी डांस और रोमांस की फिल्म थी और अब धूम 3 आमिर खान की फिल्म है। आपको ये नहीं देखने को मिलेगा कि कैसे आमिर खान ने बैंक लूटा। आप ये भी नहीं देख पाएंगे कि आमिर कैसे बैंक लूट रहे हैं। आप पूरी तरह क्लैश रहेंगे कि फिल्म में अभिषेक बच्चन और शिकागो पुलिस रहती है। आप इस फिल्म से धूम 2 के जैसे स्टंट की अपेक्षा मत करिए। अगर आप धूम 3 से हॉलीवुड जैसे एक्शन की उम्मीद पाल रहे हैं तो आप गलत हैं। फिल्म में कई ऐसी चीज़ें हैं जो फिल्म से बॉलीवुड पुट को दूर नहीं कर पाती, जैसे कि फिल्म में हीरोइन के लिए करने के लिए कुछ नहीं है, विलन के अलावा पूरी दुनिया परफेक्ट है वगैरह वगैरह। बाकी फिल्म छुट्टियों के दिनों में रिलीज हुई थी, धूम फ्रेंचाइजी की है और आमिर खान ने शानदार एक्टिंग की है। ऐसे में फिल्म का चलना तो तय था। सुपर 22 का क्रेज सिर्फ भारतीय राइडर्स को नहीं बल्कि हिंदुस्तानी और विदेशी फिल्मों में भी खूब देखने को मिलता है। फिल्म के हीरो को और ज्यादा स्टाइलिश दिखाने के लिए बीते दशकों में सुपर बाइक्स का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है। BMW की सुपर बाइक भी इसी सूची में शामिल है। अगर आपने आमिर खान वाली धूम 3 देखी है तो यकीनन आपको यह बाइक पसंद आई होगी, जिस पर आमिर हैरत अंगेज स्टंट करते हुए दिखते हैं। इस फिल्म के बाद भारत में भी राइडर्स के बीच इस बाइक का क्रेज और तेज हो गया। आमिर खान ने फिल्म में जिस बाइक का इस्तेमाल किया था वो BMW के 1300R मॉडल की थी। ड्यूल हैंड लैप्स वाली यह बाइक सच में काफी खूबसूरत है। BMW मोटार्ड की नेक्स्ट क्लास बाइक को साल 2009 में लॉन्च किया गया था। आपको बता दें कि इस बाइक ने कंपनी की K1200R को रिप्लेस किया था। इस सुपर बाइक में 1293 सीसी इनलाइन 4 EFI एंटीनाक सेंसर वाला पावरफुल इंजन लगा है। यह इंजन 173 HP पावर 9,250 RPM पर जनरेट करता है और 8,250 RPM पर 140 NTM नॉट देता है। इसके एग्जॉस्ट सिस्टम को कुछ बटरफ्लाई स्टाइल में डिजाइन किया गया है ताकि टॉर्क को बेहतर बनाया जा सके। इस बाइक में 6 स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है। इस बाइक्स में 17 इंच के टायर्स का इस्तेमाल किया गया है। अगर स्पीड की बात करें तो धूम 3 में इस बाइक की जितनी तेज स्पीड बताई गई है उतनी ही है। BMW के 1300R की टॉप स्पीड 260 किलोमीटर पर घंटे के करीब है। रफ्तार का अंदाजा केवल इस बात से लगाया जा सकता है कि इस बाइक को 0-100 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार पहुंचने में केवल 2.81 सेकंड लगते हैं। इस बाइक में 19 लीटर का पेट्रोल टैंक है जिसकी रिजर्व कैपेसिटी 4 लीटर है। माइलेज 17 किलोमीटर पर लीटर का है। एक बार टैंक फुल करने पर यह बाइक 320 किलोमीटर का सफर तय करने में सक्षम है। इस बाइक की कीमत 25 लाख रुपए है। फिलहाल BMW की यह सुपर बाइक मार्केट में नहीं है, इसे साल 2015 में डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। यह बाइक कंपनी की सबसे पावरफुल वाली बाइक कही जा सकती है। इस सुपर बाइक को यस 1000R से रिप्लेस किया गया है। इसकी कीमत 2283 लाख रुपए है। यस 100R को धूम 3 में ही जय दीक्षित बने अभिषेक बच्चन और अली और उदय चोपड़ा को राइड करते हुए दिखाया गया था। धूम सीरीज की महत्वपूर्ण कड़ी है जय और अली। इस बार वे चोर को पकड़ने के लिए शिकागो जाते हैं। चूक चोर चोरी करने के बाद हिंदी में संदेश छोड़ता है, बैंक वालों तेरी ऐसी की तैसी। शायद इसलिए भारत से जय और अली को उन्हें पकड़ने के लिए बुलाया जाता है। मजेदार तथ्य कि विशेष दायित्व निभाते समय चोर को पकड़ने में असफल रहते हैं, फिर बाकी हिंदी फिल्मों की तरह दायित्व से मुक्त होने के बाद उनका दिमाग तेज चलता है और वे चोर को घेर लेते हैं, लेकिन इस बार भी चोर उन्हें चकमा देकर निकल जाता है। जय और अली के रूम में अभिषेक बच्चन और उदय चोपड़ा हैं। तारीफ करनी होगी कि पहली धूम से लेकर अभी तक उनकी समान रूपता बनी हुई है, वो जरा भी नहीं बदले हैं। धूम सीरीज में चोर को ज्यादा स्मार्ट और रोचक बनाने के लिए उनको भोंदू दिखना जरूरी होता है। इस बार स्मार्ट चोर आमिर खान है। जॉन अब्राहम और ऋतिक रोशन के बाद धूम 3 में आए आमिर खान को छबीली कैटरीना कैफ का साथ मिला है। दोनों के बीच स्टेज पर केमिस्ट्री दिखती है, खासकर डांस और सर्कस के करतबों में उनकी जोड़ी प्रभावशाली है। करतब और डांस में निर्देशक और संबंधित तकनीशियों ने भी काफी मेहनत की है। आमिर खान और कैटरीना कैफ भी अपनी तरफ से कसर नहीं रहने देते। इसके अलावा आमिर खान की हैरत अंगेज बाइक ड्राइविंग है। बाइक और चेस धूम सीरीज का खास बात है। धूम 3 में भी इनका भरपूर इस्तेमाल हुआ है।
मुख्य रूप से तीन चेज हैं जिनमें हमेशा की तरह चोर कामयाब रहता है। चोर बने साहिर के पास अत्याधुनिक बाइक है जो हवा में कुलाचे भरती है और जरूरत पड़ने पर मोटर बोट भी बन जाती है। धूम थ्री तकनीकी स्तर पर प्रभावित करती है, एक्शन भी जोरदार है। लंबे समय के बाद आमिर खान एक्शन दृश्यों में नजर आए हैं। जॉन अब्राहम और ऋतिक रोशन की तरह उन्हें भी बेहद दृष्ट देखनी पड़ी है। आमिर खान ने मेहनत की है लेकिन उनके पास उनके जैसा आकर्षक शरीर सुष्ठ नहीं है। इमोशनल दृश्यों को आमिर खान अच्छी तरह निभा ले जाते हैं। कैटरीना कैफ की चपलता आकर्षक है, उनके डांस में स्फूर्ति गति और लयात्मकता है, उनसे नजर नहीं हटती। भाव प्रदर्शन और संवाद अदायगी में वह पिछड़ जाती है। धूम थ्री में भी यही हुआ है, जब तक वह डांस और करतब करती हैं तब तक बहुत प्रभावशाली लगती है, बाकी दृश्यों में वह आमिर खान का साथ नहीं दे पाती हैं। वैसे लेखक निर्देशक ने कम नाटकीय दृश्य लेकर उनकी कमी छिपाने की अच्छी कोशिश की है। विजय कृष्ण चार ने धूम थ्री के लंबे दृश्य रखे हैं। फिल्म थोड़ी लंबी हो गई है। शिकागो शहर का सिटी स्कोप इस फिल्म में दिखाई देता है। शहर की खूबसूरती और भव्यता भी फिल्म में प्रभाव में सहायक बनती है। सर्कस के करतब और डांस परफॉर्मेंस के लिए बने सेट आकर्षक हैं। टैप डांस में आमिर खान का कौशल नजर आता है। पता चलता है कि अभ्यास और एकाग्रता से कलाकार नए कौशल सीख सकते हैं। धूम सीरीज अपने गीत संगीत के लिए भी लोकप्रिय हैं। धूम थ्री का गीत संगीत उसी प्रवाह में है। कुछ गीतों का फिल्मांकन नयना भिरामी है लेकिन कुछ गीत अनावश्यक भी लगते हैं। सुदीप चटर्जी के खूबसूरत छायांकन से दृश्य प्रदृश्य सुहावने लगते हैं। धूम थ्री फिल्म में आमिर खान अपने करियर में दूसरी बार नेगेटिव रोल कर रहे थे। इसके पहले आमिर खान ने 1947 अर्थ फिल्म में नेगेटिव किरदार निभाया था। यह फिल्म चली नहीं थी। धूम थ्री भारत की ऐसी फिल्म बन गई है जिसके लीड किरदार हर बार उसी नाम के साथ हैं और एक ही कलाकार ने यह रोल निभाया है। यह रोल तीनों ही फिल्मों में अभिषेक बच्चन और उदय चोपड़ा ने निभाया है। धूम थ्री की शूटिंग में हॉलीवुड के कई तकनीकी जानकारों की मदद ली गई है, खासकर बाइक रेसिंग और दीवारों पर दौड़ने के लिए इस तकनीक का इस्तेमाल ज्यादा किया गया है। धूम थ्री की शूटिंग के दौरान फिल्म के लीड किरदार आमिर खान को गहरी चोट लगते लगते बची थी। जिस तार को पकड़कर वह बिल्डिंग में चढ़ रहे थे वह तार अचानक टूट गया। गनीमत थी कि एक सपोर्ट वायर बगल में ही मौजूद था। धूम थ्री फिल्म रिलीज से पहले ही विवादों में फंस गई थी। फिल्म के एक गाने मलंग मलंग पर एक खास समुदाय को आपत्ति थी। हालांकि यह मामला इतना बड़ा नहीं था कि इसके लिए फिल्म की रिलीज टालनी पड़े। फिल्म के टाइटल सॉन्ग धूम मचाले को भव्य तरीके से फिल्माने के लिए फिल्म के निर्माता आदित्य चोपड़ा ने 5 करोड़ रुपए खर्च किए थे। 5 करोड़ में कई छोटे बजट की फिल्में बन जाती हैं। धूम थ्री में लीड कौन है इस बात को लेकर भी फिल्म के पहले विवाद हुआ था। इस फिल्म में जुड़े कई कार्यक्रमों में फिल्म के हीरो अभिषेक बच्चन की उपेक्षा की गई तो उन्हें कहना पड़ा कि फिल्म का हीरो मैं हूँ और हर बार की तरह जीतता हीरो ही है। धूम उन फिल्मों में से है जिन्होंने बॉलीवुड में सीक्वल फिल्मों के लिए मजबूत धरातल तैयार किया। इस सीरीज की हर फिल्म के साथ भव्यता और एक्शन की जबरदस्त बहार आती गई। इस बार भी कुछ ऐसा ही किया गया था। आमिर खान और कैटरीना कैफ को सरप्राइज पैकेज के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। कैटरीना कैफ के लिए फिल्म में करने के लिए कुछ खास नहीं है, ग्लैमर के तौर पर उन्हें लाया गया है लेकिन इस्तेमाल नहीं किया गया। फिल्म ठेठ हिंदी सिनेमा प्रेमियों के लिए किसी जश्न से कम नहीं है। हर बार की तरह टेक्नोलॉजी, गैजेट्स, बाइक्स और एक्शन इस बार भी हैं। सब हाई क्वालिटी है लेकिन कहानी पूरी तरह बचकानी है। जैकी श्रॉफ द इंडियन सर्कस चलाते हैं, वह काफ़ी उधार ले लेते हैं और वह इससे चुका नहीं पाते, आत्महत्या कर लेते हैं। उसके बाद उसका बेटा साहिर यानी आमिर खान अपने उस सर्कस को दोबारा से शुरू करने का जिम्मा लेता है और चोरियां शुरू कर देता है। इसमें उसका साथ देती है आलिया यानी कैटरीना कैफ। बस हर बार की तरह जय यानी अभिषेक बच्चन और अली यानी उदय चोपड़ा चोरियों को रोकने के लिए आ जाते हैं। वैसे ही से शुरू होता है धूम धड़ाका। हालांकि कहानी के कई लोच हैं। 3 घंटे की फिल्म है। जो बात नहीं पछती हुआ यह कि शिकागो पुलिस नाकाम है और मुंबई पुलिस को बुलाया जाता है और उसके 2 पुलिस अफसर अपने जौहर विदेश में दिखाते हैं। इस तरह की कई बातें जो गले नहीं उतरती हैं। आमिर खान की फिल्म मानकर तो कतई मत देखिएगा क्योंकि यह आमिर छाप फिल्मों से एकदम जुदा है। इसमें कोई कहानी नहीं है, थ्रिल नहीं है। कहानी के मामले में आमिर की सबसे कमजोर फिल्मों में से एक कही जा सकती है। आमिर खान नेगेटिव किरदार में नहीं जमते हैं। कहानी पूरी तरह से खामियों से भरी हुई है। आमिर खान के साथ कहीं कहीं कैटरीना की जोड़ी आंखों को बहुत अच्छी नहीं लगती है। कैटरीना को जितना मौका मिला उन्होंने अपना बेस्ट किया है। अभिषेक बच्चन जय के किरदार में पहले जैसे ही हैं, अली के किरदार में उदय जमे हैं और वह फिल्म में हंसाने का काम करते हैं। फिल्म का बजट 100 करोड़ रुपए से ज्यादा है। धूम भारतीय हिंदी फिल्म है जिसका निर्देशन संजय गांधवी और निर्माण आदित्य चोपड़ा ने किया है। इस फिल्म में अभिषेक बच्चन, जॉन अब्राहम, उदय चोपड़ा और ईशा देओल मुख्य किरदार में हैं। इस फिल्म को 27 अगस्त 2004 में सिनेमाघरों में प्रदर्शित किया गया था। धूम मूवी की कहानी की शुरुआत मुंबई में होती है।
जब एक मोटरबाइक चलाने वाला गैंग शहर के बैंक और अन्य जगहों से पैसे चुराना शुरू कर देता है। इसी पे जय दीक्षित ने अभिषेक बच्चन को इस मामले की छानबीन करने का काम दिया जाता है। वो इस गिरोह के लोगों को पकड़ने के लिए एक चोरी की बाइक बेचने और चलाने वाले अली खान ने उदय चोपड़ा से मिलता है और उसकी मदद से उस गिरोह के लोगों को पकड़ने का प्लान बनाता है। वो असफल हो जाता है। इस गिरोह का लीडर कबीर यानी जॉन अब्राहम उससे कहता है कि वह उसके सामने भी रहेगा तो भी वह उसे पकड़ नहीं पाएगा, और ऐसा होता भी है। एक और चोरी होती है जिसमें जय और अली को पहले से पता होता है कि चोरी कहाँ होने वाली है, पर वे लोग कुछ नहीं कर पाते। हालांकि जय की गोली से उस गिरोह का एक सदस्य मारा जाता है, पर वे लोग एक बार और असफल हो जाते हैं। इस असफलता के कारण जय को अली के ऊपर गुस्सा आ जाता है और उन दोनों की बहस आगे मारपीट का रूप ले लेती है, जिसके बाद अली उसे छोड़कर चला जाता है। रोहित जो जय की गोली का शिकार हो जाता है, उसके जगह कबीर अब अली को लाने की सोचता है और उसे मिलकर अपने गिरोह में आने का न्योता देता है। अली मान जाता है और गिरोह से जुड़ने के बाद उसकी एक सदस्य सीना यानी ईशा देवल से अली को प्यार हो जाता है। कबीर अब भारत के सबसे बड़े कसीनो को लौटने का प्लान बनाता है, जिसके बाद उन्हें कभी और चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो एक चोरी नए वर्ष के दिन करने का प्लान बनाता है। वो लोग उस कसीनो में अलग अलग रूम में आ जाते हैं और जल्द ही कबीर को एहसास हो जाता है कि यह जय का बुना हुआ जाल है। उन्हें भी ये पता चलता है कि अली अब भी जय के लिए ही काम कर रहा है। कबीर किसी तरह से जय की कैद से भागने में सफल हो जाता है और अपने गिरोह के साथ अपने गिरोह के ट्रक तक आ जाता है। वहाँ अली किसी तरह सिन्हा को बंधक बनाए रखता है। उसे ऐसा लगते रहता है कि उसके बाकी गिरोह के लोग पकड़े गए हैं, पर वही कबीर को देखकर उसके तोते उड़ जाते हैं। कबीर आते साथ अली को मारने लगता है कि तभी जय आ जाता है और उसकी जान बचा लेता है। सिन्हा को छोड़कर गिरोह के सभी लोग भागने लगते हैं। जय और अली मिलकर उनका पीछा करते हैं और कबीर को छोड़कर गिरोह के सभी लोग मारे जाते हैं। अंत में कबीर को जय और अली घेर लेते हैं। वही और जाने का रास्ता नहीं होने के कारण कबीर अपनी बाइक को नदी की ओर ले जाता है और बाइक के साथ नदी में गिर जाता है। इसके बाद जय और अली एक दूसरे से बात करते रहते हैं और फिल्म यहीं पर समाप्त हो जाती है। इस फिल्म का गीत बहुत ही पसंद किया गया था, खासकर धूम मचाले गीत। इसका बैकग्राउंड म्यूजिक भी लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया था। कुछ लोगों के फोन का रिंगटोन धूम फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक था। धूम एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म श्रृंखला है। फिल्म एसीपी जय दीक्षित एक सहायक पुलिस आयुक्त और उसके साइडकिक अली अकबर फतेह खान के इर्द गिर्द घूमती है, जो पेशेवर चोरों को पकड़ते हैं। एक आम व्यवहार में कथानक अक्सर विरोधी से बहुत प्रभावित होता है। बॉक्स ऑफिस पर कमाई के मामले में यह बॉलीवुड की दूसरी सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी है। श्रृंखला धूम 3 की नवीनतम किस्त ने दुनिया भर में 550 करोड़ से अधिक कमाई की, जो हिंदी सिनेमा के इतिहास में चौथी सबसे बड़ी कमाई करने वाली फिल्म है। 2016 तक धूम भारतीय सिनेमा में पांचवी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म फ्रेंचाइजी है। इस श्रृंखला की पहली फिल्म थी धूम, जो कि 2004 में आई थी। इसमें बाइकर्स का एक रहस्यमय गिरोह लिटोरे की होड़ में है। एसीपी जय को मामले में सहायता करने के लिए एक मैकेनिक अली मिलता है। घड़ी की टिक टिक के साथ यह उनके ऊपर है कि चोरों को रंगे हाथ पकड़ ले। इस श्रृंखला में दूसरी फिल्म थी धूम 2, जो कि 2006 में आई थी। इसमें जय और अली लौटते हैं, इस बार एक अंतर्राष्ट्रीय चोर की निशानदेही पर, जिसने अमूल्य कलाकृतियों की चोरी की और मुंबई को अपना अलग लक्ष्य चुना। इस श्रृंखला में तीसरी फिल्म थी धूम 3, जो कि 2013 में आई थी। इसमें जब जादू और कलाबाजी में प्रदर्शित सर्कस का मनोरंजन करने वाले साहिर शिकागो में एक भ्रष्ट बैंक को गिराने के लिए चोर बन जाते हैं, जिसने उनके पिता को बर्बाद कर दिया था, तो भारतीय अधिकारी जय और अली को उसे पकड़ने के लिए बुलाया जाता है। धूम मूवी का बजट था 110 मिलियन और इसकी कुल कमाई हुई थी 650 मिलियन। धूम 2 का बजट था 450 मिलियन और इसकी कुल कमाई हुई थी 2.62 बिलियन। धूम 3 का बजट था 1.75 बिलियन और इसकी कुल कमाई हुई थी 5.892 बिलियन। इस हिसाब से अगर तीनों फ्रेंचाइजी का बजट देखा जाए तो वो बनता है पूरा 2.31 बिलियन और तीनों की कमाई बनती है 8.162 बिलियन। फिल्म का शहरी भारतीय युवाओं के बीच महत्वपूर्ण संस्कृत प्रभाव पड़ा। यह सड़कों पर दौड़ बाइक से होने वाली चोरी और सार्वजनिक सड़कों पर स्टंट करने की घटनाओं में वृद्धि के लिए दोषी ठहराया गया था। इसके अतिरिक्त NOS टिकट के अलावा इसके अतिरिक्त NOS किट के अलावा फ्री पिलो एंगास सिस्टम से लेकर अपने बाइक्स में संशोधन के लिए युवाओं के साथ बाइक मॉडिफाई सीन के लिए भी एक नई नीति थी। केरल के मलप्पुरम जिला में अपराधियों के एक समूह के 4 सदस्यों ने 30 दिसंबर 2007 को दक्षिण मालाबार ग्रामीण बैंक में फर्श तोड़कर 2.5 मिलियन और 80 किलोग्राम सोना लूटा था, जिसकी कुल कीमत 80 मिलियन बताई गई थी। केरल के अपराध रिकॉर्ड में सबसे बड़ी चोरी में से एक थी। केरल पुलिस ने इस संबंध में 4 लोगों को गिरफ्तार किया था और नेता ने स्वीकार किया कि वह धूम से प्रेरित था। भारत में मीडिया ने धूम 2 को समानताएं दी।
इसमें दो राय नहीं है कि यशराज फिल्म्स ने अपने बैनर तले एक नहीं कई सुपरहिट फिल्मों का निर्माण किया है जिसमें धूम भी शामिल है। धूम बॉलीवुड की सबसे मशहूर और हिट फ्रेंचाइजी फिल्म है। फिल्म की कहानी, किरदार और गाने को लोगों ने काफ़ी पसंद किया था। धूम फिल्म के रिलीज को 16 साल से ज़्यादा वक्त हो चुका है। धूम फिल्म के 16 साल पूरे होने पर इसके स्क्रीन प्ले लिखने वाले विजय कृष्ण आचार्य ने फिल्म से जुड़ी कुछ बातें बताई थी। विजय कृष्ण आचार्य ने फिल्म के 16 साल पूरे होने पर बताया कि उनको पहले से ही इस बात का विश्वास था कि ये एक मनोरंजक फिल्म साबित होगी। फिल्म के वैसे तो सारे गाने ही कमाल के थे, लेकिन धूम मचाले गाने की बात अलग थी। फिल्म धूम को सुपरहिट बनाने में इस स्टाइल के गाने का बड़ा हाथ है। आपको बता दें कि इस गाने को प्रीतम दा ने बनाया था। विजय कृष्ण आचार्य ने कहा कि उनसे पहले ही आदित्य चोपड़ा ने जिक्र किया था कि फिल्म में सीक्वल की संभावनाएं दिखाई देती हैं, और उन्होंने इसके सीक्वल में बने में विचार करने के लिए कहा था। इसके अलावा विजय कृष्ण आचार्य ने बताया था कि वो धूम के लिए ऐसा विलन को चाहते हैं जो जीतता हुआ नजर आए। विलन को जीतता हुआ देख कर दर्शकों को अच्छा लगेगा। फिल्म के 16 साल पूरे होने पर इसके निर्देशक संजय गढ़वी ने अपने इंस्टा पर एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा था कि आज से 16 साल पहले मैंने इस दिन बहुत उत्सुक और आत्मविश्वासी था। रिलीज के बाद जो हुआ वह इतिहास बन गया। फिल्म के मुख्य किरदार के रूप में जॉन अब्राहम, अभिषेक बच्चन, आदित्य चोपड़ा, ईशा देओल जैसे कलाकार नजर आए थे। धूम 2 2006 में बनी हिंदी भाषा की फिल्म है। यह धूम श्रृंखला की दूसरी फिल्म है जिसका निर्देशन संजय गढ़वी ने किया है और निर्माण आदित्य चोपड़ा और यश चोपड़ा द्वारा किया गया है। फिल्म में अभिषेक बच्चन, उदय चोपड़ा, जय दीक्षित और अली मुख्य भूमिका में हैं और एक चोर मिस्टर ए यानी ऋतिक रोशन को पकड़ने की कोशिश करते हैं जो कई बेशकीमती वस्तुएं अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग करके चुराता है। इस फिल्म की लागत थी 35 करोड़ रुपए और इसकी कुल कमाई हुई थी 150 करोड़ रुपए। फिल्म की शुरुआत मिस्टर ए यानी ऋतिक रोशन के ब्रिटिश रानी के मुकुट चोरी करने से होती है। नई उन्नत मिलने पर अफसर अली यानी उदय चोपड़ा और जय दीक्षित यानी अभिषेक बच्चन सोनाली बोस यानी बिपाशा बसु से मिलते हैं और जो जय की अच्छी दोस्त भी है। शुरुआती छानबीन से जय को पता चलता है कि मिस्टर ए मुंबई में अगली चोरी करेगा और शहर में स्थित किसी दो संग्रहालयों में चोरी हो गई। तभी दीक्षित को पता चलता है कि वह जिस संग्रहालय की निगरानी कर रहा है वह गलत है और वह तुरंत दूसरे संग्रहालय की ओर दौड़ता है जहाँ मिस्टर ए भेष बदलकर हीरा चुरा के फरार हो जाता है। टेलीविजन पर मिस्टर ए पुलिस को उसे पकड़ने के लिए उकसाता है और उन्हें अपनी अगली चोरी की जगह बताता है। परिणामस्वरूप दीक्षित बोस और खान एक तलवार रखे गए किले पर सख्त पहरा बिठाते हैं। रात को मिस्टर ए अपने बहरूपियों से मिलता है जहां तलवार रखी होती है। पुलिस को खबर लग जाती है पर दोनों तलवार चुराकर भागने में कामयाब होते हैं। बहरूपिया आखिर में सुनहरी यानी ऐश्वर्या राय निकलती है जो मिस्टर ए को अपना आदर्श मानती है और वे दोनों साझेदारी बना लेते हैं। रियो डी जेनेरियो में मिस्टर ए और सुनहरी अपनी अगली चोरी की योजना बनाते हैं। सूचना के मुताबिक दीक्षित और अली अभी शहर में आज पहुँचते हैं। वक्त चलते सुनहरी और मिस्टर ए में प्यार हो जाता है और मिस्टर ए उसे अपना असली नाम आर्यन बता देता है, परंतु आर्यन को पता चल जाता है कि सुनहरी जासूस है जो जय के लिए काम कर रही है। वह उसे एक खेल में खुद को गोली मारने के लिए कहता है पर वह उसे नहीं मार पाती और अपना प्यार कबूल करती है। रियो में दूसरी ओर अली को मुनाली यानी बिपाशा बसु सोनाली की जुड़वा बहन से प्यार हो जाता है। अपनी आखिरी चोरी में आर्यन और सुनहरी सोने के सिक्के चुरा लेते हैं और सुनहरी खुलासा करती है कि वह जय के लिए काम नहीं करना चाहती, जिससे जय और अली उनके पीछे लग जाते हैं। एक लंबे समय तक पीछा करने के बाद सभी एक झरने के पास पहुँच जाते हैं जहाँ सुनहरी को अली पकड़ लेता है। सुनहरी अपनी भावनाएं आर्यन को बताने के बावजूद उसे गोली मार देती है और वह झरने से नीचे गिर जाता है। आर्यन के गिरने के बाद जय सुनहरी को आज़ाद कर देता है। 6 महीने बाद खुलासा किया जाता है कि आर्यन अब भी जिंदा है और सुनहरी के साथ मिलकर उसने एक रेस्तरा खोल लिया है। जब आर्यन और सुनहरी को उसके रेस्तरा में आकर मिलता है और उन्हें बताता है कि उनके गुनाहों के बावजूद वह उन्हें नहीं पकड़ेगा, आर्यन उसे बताता है कि सारे चुराई हुई वस्तुएं कहाँ मिलेंगी। जय को दोनों के प्यार के बारे में पता चलता है पर वह उन्हें आगाह करता है कि अगर दोबारा चोरी की तो फिर से वह पीछे आ जाएगा। इस फिल्म को सन 2006 में फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार के लिए ऋतिक रोशन को पुरस्कार मिला था। आदित्य चोपड़ा की फिल्म धूम 2 को रिलीज हुए 15 साल से भी ज्यादा वक्त हो चुका है। बता दें कि यह फिल्म साल 24 नवंबर 2006 को रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर जमकर सफलता कमाई थी। माना जाता है कि फिल्म ने करीब 151 करोड़ तक का कारोबार किया था और इसमें ऋतिक रोशन, ऐश्वर्या राय, अभिषेक बच्चन, उदय चोपड़ा और बिपाशा बसु लीड रोल में थे। बता दें कि यशराज फिल्म्स के बैनर तले इस फिल्म के ज्यादातर हिस्सों की शूटिंग ब्राजील में की गई थी। फिल्म तो अपनी कहानी की वजह से हिट हुई ही थी, लेकिन ऋतिक रोशन ऐश्वर्या के बीच किस सीन भी बेहद धमाकेदार रहा था। इस सीन को करने के बाद जहां ऐश्वर्या राय की वजह से जमकर बवाल हुआ था, क्योंकि यह पहला मौका था
जब एक्ट्रेस ने बड़े पर्दे पर यह किया था। फिल्म में ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय के बीच कुछ मिनट का किस सीन था। यह पहला मौका था जब ऐश्वर्या राय ने स्क्रीन पर किसिंग सीन दिया था। इसके बाद यह सीन बी टाउन की सुर्खियों में आ गया। बता दें कि यह फिल्म की शूटिंग तब हुई थी जब एस और अभिषेक बच्चन की सगाई हो चुकी थी, इसलिए बच्चन फैमिली भी इस सीन को लेकर नाराज थी और बाद में फिल्म से ये सीन हटा दिए गए थे। इतनी ही नहीं, ऐश्वर्या राय के एक इंटरव्यू में बताया गया था कि वह इस सीन को करने के बाद पछड़े में फंस गई और कई लोगों ने उन्हें लीगल नोटिस तक भेज दिए थे। ऐश्वर्या ने एक फैशन मैगजीन को दिए इंटरव्यू में बताया था कि उन सीन की वजह से उन्हें क्या झेलना पड़ा था। उन्होंने कहा था कि वे हॉलीवुड की कई स्क्रिप्ट इसलिए मना कर चुकी हैं क्योंकि वे पर्दे पर फिजिकल सीन्स करने में कंफर्टेबल नहीं रहती। दोस्तों, धूम उन फिल्मों में से है जिन्होंने बॉलीवुड में सीक्वल फिल्मों के लिए मजबूत धरातल तैयार किया। इस सीरीज की हर फिल्म के साथ भव्यता और एक्शन की जबरदस्त बहार आती गई। इस बार भी कुछ ऐसा ही किया गया था। आमिर खान और कैटरीना कैफ को सरप्राइज पैकेज के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। कैटरीना कैफ के लिए फिल्म में करने के लिए कुछ खास नहीं था, ग्लैमर के तौर पर लाया गया था लेकिन इस्तेमाल नहीं किया गया। फिल्म ठेठ हिंदी सिने प्रेमियों के लिए किसी जस से कम नहीं है। हर बार की तरह टेक्नोलॉजी, गैजेट्स, बाइक्स और एक्शन इस बार भी हैं। सब हाई क्वालिटी है लेकिन कहानी पूरी तरह बचकानी है। कहानी में है कितना दम, आइए जानते हैं। जैकी श्रॉफ द ग्रेट इंडियन सर्कस चलाते हैं। वह काफी उधार ले लेते हैं और वह उसे चुका नहीं पाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। उसके बाद उनका बेटा साहिर यानी आमिर खान अपनी उस सर्कस को दोबारा से शुरू करने का जिम्मा लेता है और चोरियां शुरू कर देता है। इसमें उसका साथ देती है आलिया यानी कैटरीना कैफ। बस हर बार की तरह जय यानी अभिषेक और अली यानी उदय चोपड़ा चोरियों को रोकने के लिए आ जाते हैं। बस यही से शुरू हो जाता है धूम धड़ाका। हालांकि कहानी में कई लोच हैं, 3 घंटे की फिल्म है। जो बात नहीं बचती है वह यह है कि शिकागो पुलिस नाकाम है और मुंबई पुलिस को बुलाया जाता है और उसके 2 पुलिस अफसर अपने जौहर विदेश में दिखाते हैं। इस तरह की कई बातें जो गले नहीं उतरती है। चलिए बात करते हैं स्टार अपील्स के बारे में। अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो आमिर खान की फिल्म जानकर तो कतई मत देखिएगा क्योंकि यह आमिर छाप फिल्मों से एकदम जुदा है। इसमें कोई कहानी नहीं है, थ्रिल नहीं है। कहानी के मामले में आमिर की सबसे कमजोर फिल्मों में से एक कही जा सकती है। आमिर खान नेगेटिव किरदार में नहीं जमते हैं। कहानी पूरी तरह से खामियों से भरी हुई है। आमिर खान के साथ कहीं कहीं कैटरीना की जोड़ी आंखों को बहुत अच्छी नहीं लगती है। कैटरीना को जितना मौका मिला उन्होंने अपना बेस्ट किया। अभिषेक बच्चन जय के किरदार में पहले जैसे ही हैं, अली के किरदार में उदय जमे हैं और वह फिल्म में हंसाने का काम करते हैं। चलिए बात करते हैं कमाई की। फिल्म का बजट 100 करोड़ रुपए से ज्यादा था। फिल्म की टिकट 50 से 900 रुपए तक की थी। बम्पर ओपनिंग की उम्मीद थी और इसकी मार्केटिंग काफी जबरदस्त रही थी और इसकी कमाई भी बहुत ज्यादा हुई थी जिससे मूवी सुपर हिट ब्लॉकबस्टर हुई थी। धूम सीरीज का तीसरा भाग धूम 3 का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। भारत की यह महंगी फिल्मों में से एक थी और बॉलीवुड को उम्मीद थी कि यह फिल्म आय के मामले में अब तक के सारे कीर्तिमानों को भंग कर देगी। इस बार आमिर खान और कैटरीना कैफ को स्टार कास्ट में जोड़ा गया था। फिल्म की कहानी पर इस बार चोर बनाम पुलिस है लेकिन एक नए और निराले अंदाज के साथ। तकनीक और एक्शन का तड़का इस फिल्म को भव्य बनाता है। यह कहानी है साहिर यानी आमिर खान की, उसकी ऊर्जा को खतरनाक, उग्र और भयंकर बनाती है। वह किसी को माफ नहीं करता। वह एक ऐसा चोर है जो अपनी राह में रोड़ा बनने वाली हर चीज को नष्ट कर देता है। धूम 3 कहानी है आलिया यानी कैटरीना कैफ की, जो बेहद सरल है लेकिन सर्कस में परफॉर्म करते समय एकदम बदली हुई नजर आती है। निडर आलिया जब सर्कस में परफॉर्म करती है तो लगता है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम है ही नहीं। दिल के मामले में भी वह उतनी ही निडर है। धूम 3 कहानी है ज्योति चैतन्य अभिषेक बच्चन की, जो मुंबई का एक चतुर, दृढ़ निश्चयी, विश्लेषणात्मक और जबरदस्त पुलिस अफसर है। जय अपने विरोधी को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उसका मानना है कि दुश्मन को जाल में फंसाने के लिए कभी कभी दुश्मन की तरह ही सोचना चाहिए। धूम 3 कहानी है अकबर यानी उदय चोपड़ा की, जो मनोरंजन का खजाना है। यह अनिच्छुक पुलिस वाला नागपाड़ा से नियाग्र फाल तक नहीं भी मिल सकता है। फैमिली वाला बनना चाहता है, उसे लड़की की तलाश है। दिल हथेली पर लिए घूमने वाला अली सुंदर लड़की दिखी नहीं कि दिल दे बैठता है। इन किरदारों के इर्द गिर्द धूम 3 की कहानी घूमती है, जो रोमांस से भरपूर है।
फिल्म में आमिर खान ने नकारात्मक किरदार निभाया था जो चालाकी से चोरी करता है। यह फिल्म आईमैक्स के फॉर्मेट में विश्व स्तर पर हिंदी, तमिल एवं तेलुगु भाषा में प्रदर्शित की गई थी। धूम 3 भारत में आईमैक्स फॉर्मेट के प्रदर्शित होने वाली पहली फिल्म थी। यशराज फिल्म्स की बनाई हुई इस फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 280 करोड़ की कमाई की थी। तो चलिए बात करते हैं इसकी कहानी की। फिल्म 1990 से शुरू होती है, जहां इकबाल हारून खान ने नीचे की शराब शिकागो में ग्रेट इंडियन सर्कस नाम का सर्कस चलाता है। सर्कस बहुत ही खराब वित्तीय हालत से गुजर रहा है, जिस कारण इकबाल पर बहुत ज्यादा कर्जा है। बेस्टन बैंक ऑफ शिकागो, जिससे इकबाल ने कर्जा लिया है, कर्ज न चुकाने के कारण सर्कस को बंद करवाने के लिए अपने प्रतिनिधियों को भेजता है। इकबाल उनसे विनती करता है कि मेरा शो देखो, अगर आपको पसंद आए तो कर्ज चुकाने के लिए कुछ और मोहलत दे देना। प्रतिनिधि उसका शो देखने के बाद भी सर्कस को बंद कर देने का आदेश देते हैं। इकबाल का छोटा बेटा साहिर भी उनसे विनती करता है, पर वो नहीं मानते हैं। इकबाल बैंक वालों तुम्हारी ऐसी के तैसी कहकर सबके सामने आत्महत्या कर लेता है, जिससे उसका छोटा सा बेटा झकझोर जाता है। कई सालों बाद साहिर यानी आमिर खान अब भी वो घटना नहीं भूला है और वो बैंक वालों से बदला लेने की ठानता है। वो कई वेस्टर्न बैंक ऑफ शिकागो की शाखाओं में चोरी करता है और हिंदी में बैंक वालों तुम्हारी ऐसी की तैसी लिखकर अपनी सर्कस वाली कलाबाजी इस्तेमाल कर भाग जाता है, क्योंकि शिकागो पुलिस उसे नहीं पकड़ पा रही है और उन्हें हिंदी भी नहीं आती। इसलिए वो भारतीय पुलिस में से एसीपी जय दीक्षित यानी अभिषेक बच्चन और उसके सहयोगी अली यानी उदय चोपड़ा को मदद के लिए बुलाते हैं। जय साहिर को फंसाने के लिए जानबूझ कर ये बात फैला देता है कि वो ये केस संभाल रहा है और उसे लगता है चोर जरूर कोई शो किया है। इससे साहिर चोरी करने की ठानता है। वो एक समाचार चैनल से इस योजना के बारे में जानकारी इकट्ठा करता है और जय के लिए मुखबिर बनने का नाटक करता है। इस तरह वो बैंक के बारे में जानकारी इकट्ठा कर लेता है और जय को एक सुराग देता पीछे जाने के लिए। अंततः साहिर बैंक में चोरी कर लेता है और मोटरसाइकिल पे भागने लगता है। जय उसको गोली मारता है, पर साहिर भाग जाने में सफल हो जाता है। साहिर ग्रेट इंडियन सर्कस का पुरुषोत्थान संस्करण का प्रीमियर करता है अपनी महिला सहयोगी आलिया ने कैटरीना कैफ के साथ, जिसमें उसके साथ एक चाल शामिल है कि एक जगह से गायब हो जाना और दूसरी जगह पे दिखना। सो सफल हो जाता है, लेकिन बाद में जय अली और पुलिस उसे चारों ओर से घेर लेती है, जानते हुए कि वो चोर है। जय कहता है कि सबूत वो गोली का घाव है, पर जब साहिर की जांच की जाती है तो उसके शरीर पर कहीं भी गोली का निशान नहीं होता है। जय और अली सर्कस से चले जाते हैं, जबकि साहिर अपने कमरे में चला जाता है। यहाँ पर पता चलता है कि साहिर का एक जुड़वा भाई है समर, जो उसके सर्कस के चालों और बैंक में चोरी करने में मदद करता है, और वो समर था जिसको गोली लगी थी। तो चलिए बात करते हैं विपणन की। 30 अक्टूबर को धूम 3 का ट्रेलर यूट्यूब पर जारी किया गया था। इसके पहले बाजार में धूम 3 का ऑफिशियल गेम भी जारी किया गया था, जो कि 99 गेम्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा तैयार किया गया था। यह गेम विंडोज फोन स्टोर पर निःशुल्क में उपलब्ध है। आमिर खान ने धूम श्रृंखला की फिल्मों का शीर्षक धूम मचा ले 2013 में क्रिकेट से संन्यास ले रहे सचिन तेंदुलकर को समर्पित किया था। भारत में असल में अगर किसी मूवी ने यूथ में बाइक का क्रेज पैदा किया है तो वो है बॉलीवुड मूवी धूम। धूम के अब तक 3 पार्ट आ चुके हैं और इसमें ऋतिक रोशन, जॉन अब्राहम, अभिषेक बच्चन, उदय चोपड़ा, यहां तक कि मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहे जाने वाले आमिर खान भी सड़कों पर बाइक दौड़ा चुके हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पिछले साल आई धूम 3 में जो बाइक आमिर खान ने चलाई थी उसमें ऐसा क्या था जो कि उसे धूम सीरीज की सभी अन्य बाइक से अलग बनाता है? आइए हम आपको बताते हैं आखिर क्यों है ये बाइक इतनी खास। धूम 3 में आमिर खान ने जिस बाइक से सांसें थमा देने वाले स्टंट जिस बाइक से किए थे उसका नाम है BMW के 1300R। BMW ये बाइक अपनी पुरानी के 1200R को रिप्लेस कर मार्केट में लेकर आई थी। के 1300R में 1293cc का इंजन लगा है, जो कि 173 BHP की पावर देता है। कुछ सेकंडों में पकड़ लेती है 100 की स्पीड। BMW के 1300R स्पीड के मामले में कई स्पोर्ट्स बाइक को पीछे छोड़ती नजर आती है। ये बाइक महज 2.81 सेकंड्स में 0-100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार पकड़ लेती है। आइए जानते हैं कितना देती है माइलेज। इस बाइक का यूल टैंक 19 लीटर का है, जिसमें 4 लीटर रिजर्व यूल कैपेसिटी है।
एक बार टैंक फुल करने पर यह 1300 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकती है। कंपनी का दावा है कि ये बाइक 17 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देती है। ये है इसकी कीमत। K1300R जैसी बाइक खरीदने के लिए धूम 3 का आमिर खान बनने के लिए आपको लाखों रुपए खर्च करने पड़ेंगे, क्योंकि इस बाइक की कीमत तकरीबन 25 लाख रुपए है। अजय देवगन अपनी फ्लॉप फिल्म होने का कारण यशराज की फिल्म धूम 3 को मानते थे। वो अपनी नई फिल्म दर्शन के साथ एक बार फिर दर्शकों के सामने आ रहे थे। बीबीसी ने उनसे खास बातचीत की। अजय देवगन के अनुसार फिल्म एक्शन जैक्शन बनाते समय ही हमें अंदाजा हो गया था कि फिल्म नहीं चलेगी, क्योंकि हमारी फिल्म और धूम 3 की कहानी लगभग एक जैसी थी। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से नुकसान के साथ धूम 3 के चलते फिल्म तैयार होने में भी देरी हुई थी। अजय ने कहा, फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाली थी, कहानी भी लाख गई थी, सेट लग गया था, पर शूटिंग के कुछ ही दिन पहले हमें पता चला कि हमारी कहानी से मिलती जुलती बड़ी फिल्म आमिर की धूम 3 रिलीज होने वाली है। फिर हमें कहानी बदलनी पड़ी और कहानी बदलते बदलते मेरे निर्माता दोस्त के काफी नुकसान हो गया था। ये कहने पर कि रिमेक फिल्में सिर्फ व्यवसायिक कारणों से बनाई जाती हैं, अजय कहते हैं, ऐसा कहने वाले लोग जो बनाते हैं क्या वो आर्ट है? रिमेक का ट्रिब्यूट होता है जिसे बनाना आसान काम नहीं है। अजय के अनुसार किसी फिल्म को बड़े ऑडियंस के लिए अडाप्ट करना और अभिनेताओं से परफॉर्मेंस निकलवाना बहुत बड़ा काम होता है। धूम फ्रेंचाइजी में खलनायक को इस तरह पेश किया जाता है कि दर्शकों की सारी सहानुभूति खलनायक के साथ होती है। हीरो की भूमिका चरित्र कलाकार जैसी होती है। धूम 3 के खलनायक को नायक जैसा पेश किया गया है, क्योंकि उसके पास कारण है कि वह गलत काम क्यों कर रहा है। यह कारण दरअसल एक इमोशनल कहानी है और यही बात धूम 3 को इस श्रृंखला की पिछली फिल्मों से अलग करती है। पिछली फिल्मों से इमोशंस की कमी महसूस की गई थी, जिसे इस कड़ी में पूरा किया गया है। यह निर्देशक की कामयाबी है कि दर्शकों को भावात्मक रूप से यह फिल्म पहले 10 मिनट में ही जोड़ लेती है। जब इकबाल यानी जैकी श्राफ शिकागो स्थित अपने ग्रेट इंडियन सर्कस को बैंक के कर्जे से बचाने की कोशिश करता है, यहीं पर दर्शक इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि साहिर यानी आमिर खान के पिता के साथ गलत हुआ है और साहिर बड़ा होकर गलत राह पर क्यों चल रहा है। इस बात को अच्छी तरह स्थापित कर दिया गया है। बैंक कर्ज वसूली में शक्ति दिखाता है तो मासूम साहिर के सामने उसके पिता आत्महत्या कर लेते हैं। यही से साहिर और बैंक के बीच दुश्मनी हो जाती है और वह बड़ा होकर बैंक को बर्बाद करने के मिशन में जुट जाता है। यह बात पता चल जाती है कि बैंक को बर्बाद करने वाला एक भारतीय है। तो भारत से दो पुलिस ऑफिसर अभिषेक बच्चन और उदय चोपड़ा भेजे जाते हैं। फिर शुरू होता है चोर और पुलिस के बीच चूहे बिल्ली का खेल। फिल्म की कहानी सामान्य है, लेकिन इसे असाधारण बनाता है महंगे लोकेशन, शानदार सेट्स, जबरदस्त सिनेमेटोग्राफी। वैसे धूम सीरीज की फिल्मों में कहानी से ज्यादा महत्वपूर्ण स्टाइल और स्टंट है। पहला हाफ फिल्म को इतनी ऊंचाइयों पर ले जाता है कि यह स्टंट और तकनीकी रूप से हॉलीवुड फिल्मों को टक्कर देती है। एक के बाद एक आइटम पेश किए जाते हैं। आमिर खान जबरदस्त तरीके से एंट्री लेते हैं, ऊंची बिल्डिंग की दीवार से वे उतरते हैं और सड़क पर डॉलर्स की बारिश होती है। फिर आता है एक चेंजिंग सीन जो धूम सीरीज की फिल्मों की खासियत होती है। अत्याधुनिक BMW बाइक पर बैठे साहिर जब पुलिस को नचाता है तो दर्शकों की सांसें थम जाती हैं। जय और अली की एंट्री के लिए भी एक्शन सीन गढ़ा गया है जो सिर्फ फिल्म की लंबाई बढ़ाता है। फिल्म की हीरोइन कटरीना कैफ भी फिल्म में धमाकेदार एंट्री करती हैं। कमली गाने पर उनका डांस काबिले तारीफ है। जय अली और साहिर के बीच वाला चेंजिंग सीन फिल्म का प्रमुख आकर्षण है। इस सीन को अद्भुत तरीके से शूट किया गया है। इस सीन में जय गोली चलाता है तो साहिर की पीठ पर लगती है। कुछ देर बाद साहिर को गिरफ्तार करने जय उसके सर्कस में पहुंचता है तो यह जानकर दंग रह जाता है कि साहिर की पीठ पर किसी भी किस्म का चोट का निशान नहीं है। जय के साथ दर्शक भी चौंकते हैं कि यह रहस्य क्या है, और यहीं पर इंटरवल होता है। इंटरवल के बाद हाफना ज्यादातर फिल्मों की कमजोरी है और धूम 3 भी इसका शिकार है। एक्शन और स्टंट से फोकस हटकर ड्रामे पर आ जाता है और स्क्रीन प्ले की कमजोरियां उभरने लगती हैं। रहस्य पर से पर्दा हटाया जाता है जो कई तरह के सवालों को जन्म देता है जिसके संतोषजनक उत्तर नहीं मिलते हैं। कहानी में रोमांटिक ट्रेन को जबरन घुसेड़ा गया है जिसकी जगह नहीं बनती है। साहिर का कड़ी सुरक्षा के बीच हर बार आसानी से बैंक में घुसना हैरत में डालता है। फिल्म के दूसरे हाफ में एक्शन की कमी महसूस होती है। इन सब कमियों के बीच एक अच्छी बात यह है कि बोरियत नहीं होती, ड्रामे में दिलचस्पी बनी रहती है। उम्मीद रहती है कि क्लाइमैक्स में जबरदस्त एक्शन देखने को मिलेगा, लेकिन अपेक्षा से कम देखने को मिलता है। फिल्म का निर्देशन किया है विजय कृष्ण आचार्य ने। उन्होंने धूम सीरीज के सारे भाग लिखे हैं। टैशन जैसी भुला देने लायक फिल्में निर्देशित कर चुके हैं। इसके बावजूद फिल्म के निर्माता आदित्य चोपड़ा ने उनको यशराज फिल्म की सबसे महंगी फिल्म निर्देशित करने का जिम्मा दिया। विजय का काम एक्शन डायरेक्टर और कोरियोग्राफर ने काफी आसान कर दिया।
ड्रामे वाले हिस्से को संभालने में विजय थोड़ा लड़खड़ाए हैं। आमिर खान के फिल्म से जुड़ने से दर्शकों की अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। आमिर खान के किरदार के बारे में ज़्यादा बात इसलिए नहीं की जा सकती है क्योंकि इससे फिल्म के रहस्य से पर्दा हट जाएगा। जहां तक अभिनय का सवाल है तो आमिर ने अपना काम गंभीरता से किया है, लेकिन उनसे और बेहतर की अपेक्षा थी। धूम जैसी फिल्मों के किरदार को जो ग्लैमर चाहिए था उसमें आमिर थोड़ा कमजोर पड़ गए। कैटरीना कैफ डोड़ बाडी में बेहद खूबसूरत नजर आई, लेकिन उनका रोल बेहद छोटा है। निर्देशक उनके ग्लैमर का पूरा उपयोग नहीं कर पाए। अभिषेक बच्चन और उदय चोपड़ा अपने किरदारों को उसी अंदाज में बढ़ाते नजर आए। जैकी श्रॉफ छोटे रोल में छाप छोड़ते हैं। प्रीतम का संगीत औसत किस्म का है, लेकिन गानों का फिल्मांकन आंखों को राहत देता है। मलंग और कमले की कोरियोग्राफी बहुत बढ़िया है। जूलियस पैकियम का बैकग्राउंड स्कोर उम्दा है। सुदीप चटर्जी की सिनेमाटोग्राफी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की है, जो फिल्म को भव्य लुक देती है। एक्शन और स्टंट हॉलीवुड फिल्मों की टक्कर के हैं। धूम 3 5 में से 3 अंक के लायक है, लेकिन सिनेमाटोग्राफी, लोकेशन और बाइक थ्रिल के कारण आधा अंक अतिरिक्त दिया गया है। धूम सीरीज का तीसरा भाग धूम 3 का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। भारत की यह महंगी फिल्मों में से एक है और बॉलीवुड को उम्मीद थी कि यह फिल्म आय के मामले में अब तक के सारे कीर्तिमानों को भंग कर देगी। इस बार आमिर खान और कैटरीना कैफ को स्टार कास्ट में जोड़ा गया था। फिल्म की कहानी फिर इस बार चोर बनाम पुलिस है, लेकिन एक नए और निराले अंदाज के साथ। तकनीकी और एक्शन का तड़का इस फिल्म को भव्य बनाता है। यह कहानी है साहिर यानी आमिर खान की, जिसकी ऊर्जा उसे खतरनाक, उग्र और भयंकर बनाती है। वह किसी को माफ नहीं करता। वह एक ऐसा चोर है जो अपनी राह में जोड़ा बनने वाली हर चीज को नष्ट कर देता है। धूम 3 कहानी है आलिया ने कैटरीना कैफ की, जो बेहद सरल है, लेकिन सर्कस में परफॉर्म करते एकदम बदली हुई नजर आती है। निडर आलिया जब सर्कस में परफॉर्म करती है तो लगता है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम ही नहीं है। दिल के मामले में वह इतनी ही निडर है। धूम 3 कहानी है जय दीक्षित यानी अभिषेक बच्चन की, जो मुंबई का एक चतुर, दृढ़ निश्चयी, विश्लेषणात्मक और जबरदस्त पुलिस ऑफिसर है। जय अपने बुरेदों को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उसका मानना है कि दुश्मन को जाल में फंसाने के लिए कभी कभी दुश्मन की तरह सोचना पड़ता है। धूम 3 कहानी है अली अकबर यानी उदय चोपड़ा की, जो मनोरंजन का खजाना है। यह अनिच्छुक पुलिस वाला नागपाड़ा से नियाग्रा फाल तक कहीं पर भी मिल सकता है। फैमिली वाला बनना चाहता है और उसे लड़की की तलाश है। दिल हथेली पर लेकर घूमने वाला अली सुंदर लड़की दिखी नहीं कि दिल दे बैठता है। इन किरदारों के इर्द गिर्द धूम 3 की कहानी घूमती है, जो रोमांस से भरपूर है। धूम 3 2013 की बहुप्रतीक्षित हिंदी फिल्म है, जिसे विजय कृष्ण आचार्य ने निर्देशित किया है। धूम का पहला संस्करण 2004 में, जबकि धूम 2 2006 में रिलीज हुई थी। यह दोनों ही फिल्में सुपरहिट रही थी। पहली धूम में जॉन अब्राहम और दूसरी में ऋतिक रोशन ने खलनायक की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म की लागत थी 150 करोड़ रुपए और इसकी कुल कमाई हुई थी 542 करोड़ रुपए। फिल्म में आमिर खान ने नकारात्मक किरदार निभाया है, जो चालाकी से चोरी करता है। यह फिल्म आईमैक्स के फॉर्मेट में विश्व स्तर पर हिंदी, तमिल एवं तेलुगु भाषा में प्रदर्शित की गई थी। धूम 3 भारत में आईमैक्स फॉर्मेट में प्रदर्शित होने वाली पहली फिल्म है। यशराज फिल्म्स की बनाई हुई इस फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 280 करोड़ रुपए की कमाई की थी। धूम फिल्म 1990 से शुरू होती है, जहां इकबाल फारूक खान यानी जैकी श्रॉफ शिकागो के ग्रेट इंडियन सर्कस का सर्कस चलाता है। सर्कस बहुत ही खराब वित्तीय हालत से गुजर रहा होता है, जिस कारण इकबाल पर बहुत ज्यादा कर्जा होता है। वेस्टर्न बैंक ऑफ शिकागो, जिससे इकबाल ने कर्जा लिया है, कर्ज न चुकाने के कारण सर्कस को बंद करवाने के लिए अपने प्रतिनिधियों को भेजता है। इकबाल उनसे विनती करता है कि मेरा सो देखो, अगर आपको पसंद आए तो कर्ज चुकाने के लिए कुछ और मोहलत दे देना। प्रतिनिधि उसका शो देखने के बाद भी सर्कस को बंद कर देने का आदेश देते हैं। इकबाल का छोटा सा बेटा साहिर उनसे विनती करता है, पर वो नहीं मानते हैं। इकबाल बैंक वालों तुम्हारी माँ की ऐसी की तैसी कहकर सबके सामने आत्महत्या कर लेता है, जिससे उसका छोटा सा बेटा झकझोर जाता है। कई सालों बाद साहिर ने आमिर खान अब भी वो घटना नहीं भूला है और वो बैंक वालों से बदला लेने की ठानता है। वो कई वेस्टर्न बैंक ऑफ शिकागो की शाखाओं में चोरी करता है और हिंदी में बैंक वालों तुम्हारी ऐसी की तैसी लिखकर अपनी सर्कस वाली कलाबाजी इस्तेमाल करके भाग जाता है, क्योंकि शिकागो पुलिस उसे नहीं पकड़ पा रही और उन्हें हिंदी भी नहीं आती। इसलिए वो भारतीय पुलिस से ACP जय दीक्षित अभिषेक बच्चन और उसके सहयोगी अली यानी उदय चोपड़ा को मदद के लिए बुलाते हैं।
जय साहिर को फंसाने के लिए जानबूझकर बात फैला देता है कि वो ये केस संभाल रहा है और उसे लगता है चोर जरूर कोई शौकिया है। इससे साहिर चोरी करने की ठानता है। वो एक समाचार चैनल से इस योजना के बारे में जानकारी इकट्ठा करता है और जय के लिए मुखबिर बनने का नाटक करता है। इस तरह बैंक के बारे में जानकारी इकट्ठा कर लेता है और जय को एक सुराग देता है पीछे जाने के लिए। अंततः साहिर बैंक में चोरी कर लेता है और मोटरसाइकिल पर भागने लगता है। जय उसको गोली मारता है पर साहिर भाग जाने में सफल हो जाता है। साहिर ग्रेट इंडियन सर्कस का पुनरुत्थान संस्करण का प्रीमियर करता है अपनी महिला सहयोगी आलिया यानी कैटरीना कैफ के साथ, जिसमें उसके साथ एक चाल शामिल है कि एक जगह से गायब हो जाना और दूसरी जगह पर दिखना। लेकिन बाद में जय अली और पुलिस उसे चारों ओर से घेर लेती है जानते हुए कि चोर वो है। जय कहता है कि सबूत वो गोली का घाव है, पर साहिर की जांच की जाती है तो उसके शरीर पर कहीं पर भी गोली का निशान नहीं होता है। जय और अली सर्कस से चले जाते हैं जबकि साहिर अपने कमरे में चला जाता है। यहाँ पर पता चलता है कि साहिर का एक जुड़वा भाई है समर, जो कि उसके सर्कस के चालों और बैंक में चोरी करने में मदद करता है, और वो समर था जिसको गोली लगी थी। 30 अक्टूबर को धूम 3 का ट्रेलर यूट्यूब पर जारी किया गया था। इसके पहले बाजार में धूम 3 का ऑफिशियल गेम भी जारी किया गया था जो कि 99 गेम प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा तैयार किया गया था। यह गेम विंडोज फोन स्टोर पर निःशुल्क उपलब्ध है। आमिर खान ने धूम श्रृंखला की फिल्मों का शीर्षक धूम मचाले 2013 में क्रिकेट के संन्यास ले रहे सचिन तेंदुलकर को समर्पित किया था। यह कहना गलत होगा कि धूम सीरीज की तीसरी फिल्म आमिर खान के रंगों से सराबोर है। विजय कृष्ण आचार की इस फिल्म में आमिर खान छाए हुए हैं और सिर्फ उनका ही जलवा दिखा है। एक मामूली कहानी को एक सुपरस्टार पावर के जरिए एक्शन के उस हद तक ले जाया जा सकता है जहां फिल्म शानदार और जानदार फिल्म बन जाती है। यह कहना गलत नहीं होगा कि फिल्म आमिर खान के स्टार पावर की नुमाइश है। फिल्म के तकरीबन हर फ्रेम में वे छाए रहते हैं, उनके सामने हर कलाकार बौना ही नजर आता है। धूम 3 की कहानी में जादूगर इकबाल नीचे की शराब का शिकागो में अपना सर्कस है, लेकिन वह ज़्यादा नहीं चलता। सर्कस को नीलाम करने की नौबत आ जाती है। जादूगर इकबाल का वह आखिरी शानदार कर्तव्य ही उसके सर्कस को बचा नहीं पाता और वो खुदकुशी कर लेता है। उसका बेटा साहिर यानी आमिर खान बदला लेने की ठान लेता है। उसका एक ही मकसद है बैंक को तबाह करना और अपना सर्कस वापस शुरू करना। इसी के तहत वो बैंक के हर ब्रांच में चोरियाँ शुरू करता है, लेकिन साहिर को कोई पकड़ नहीं पाता। इसके पीछे एक बड़ा राज है। यही राज या रहस्य धूम 3 की कहानी का ट्विस्ट है। एक्टिंग की बात करें तो आमिर ने सबको पछाड़ दिया है। उन्होंने एक बार फिर साबित किया है कि उन्हें मिस्टर परफेक्शनिस्ट यू ही नहीं कहा जाता है। अभिषेक बच्चन के हिस्से में ज्यादा कुछ दिखाने को नहीं है। अभिषेक बच्चन और कैटरीना का अभिनय समान है, लेकिन जैकी श्रॉफ की भूमिका शानदार है। धूम 3 का गीत संगीत बेहद साधारण है। धूम सीरीज की पहली फिल्म का गीत धूम मचाले बेहद पॉपुलर रहा था, लेकिन इस फिल्म का गीत ही नहीं बल्कि टाइटल ट्रैक भी असरदार नहीं है। धूम 3 के साथ निर्देशक विजय करण आचार्य ने वापसी की है और इसके पहले वह टसन जैसी फिल्म को निर्देशित कर चुके हैं जो बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुँह गिरी थी। लेकिन एक्शन और रोमांस कैटेगरी की श्रेणी में यह फिल्म बेमिसाल है और देखी जानी चाहिए, जो खुद को अलग हटकर लाखड़ा करती है। धूम 3 की स्टोरी वही पुरानी है जो चोरी और चेज के सहारे आगे बढ़ती हुई प्लानिंग और स्ट्रेटजी के मोड से गुजरती है। आमिर एक परफेक्ट टेप है, कैटरीना उसका प्यार और साथ है। हमेशा की तरह पुलिस ऑफिसर जय दीक्षित यानी अभिषेक बच्चन और उसका साथी अली यानी उदय चोपड़ा है, जो स्मार्ट चोरों को काबू में करने की कोशिश में लगे हैं। तो सवाल है कि फिर इस फिल्म में नया देखने लायक क्या है? इस सवाल का जवाब पूरे सारे रीजंस के साथ दिया जा सकता है, पर हम आपको कुछ बता रहे हैं ताकि आप फिल्म जरूर देखें और इस बात को माने कि हमारी इस फिल्म को देखने जाने की एडवाइस कितनी सही थी। पहली वजह तो इस फिल्म में वह सब कुछ है जिसके लिए कोई फिल्म लवर एक मूवी देखना चाहता है। सच तो यह है कि फिल्म अपने प्रोडक्शन हाउस और फर्स्ट दोनों पार्ट की सक्सेस के कारण ही नहीं, एक सेपरेट स्ट्रांग मूवी के तौर पर भी देखने लायक है। फिल्म एक बेहतरीन थ्रिलिंग और एंटरटेनिंग एक्सपीरियंस है। इसे न देखकर आप अपनी यादों के कलेक्शन में 100% कुछ मिस कर देंगे। यशराज बैनर के लिए धूम यकीनन एक ऐसा ब्रांड बन चुका है जिससे बैनर की प्रतिष्ठा जुड़ चुकी है। यही वजह है बजट के मामले में कुछ ज़्यादा ही कंजूस माना जाने वाला है बैनर। धूम सीरीज की हर नई फिल्म हर पिछली फिल्म से ज़्यादा कहीं पैसा लगाता है। करीब 100 करोड़ के भारी भरकम बजट में बनी इस फिल्म में जबरदस्त एक्शन और ड्रामा तो है ही, इसके साथ ही इसमें आपको बेहतरीन विजुअल इफेक्ट भी देखने को मिलेंगे। यकीनन धूम 3 के कई एक्शन सीन हॉलीवुड फिल्मों को टक्कर देने के काम करते हैं।
इस फिल्म के क्रेज का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने लगने से पहले करीब 7 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई एडवांस बुकिंग के दम पर कर ली थी। कुछ साल पहले इसी बैनर के लिए मेगा बजट मल्टी स्टारर टशन जैसे सुपर फ्लॉप बना चुके डायरेक्टर विजय कृष्ण आचार्य ने लंबे ब्रेक के बाद इस बार पूरा होमवर्क करने के बाद ही इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया। इंटरवल के बाद उदय चोपड़ा और अभिषेक बच्चन के कुछ सीन को नजरअंदाज कर दिया जाए तो 3 घंटे की लंबी अवधि की इस फिल्म में दर्शकों को स्टार्ट टू फिनिश अपनी सीटों के साथ बांधे रखने का दम है। यकीनन धूम सीरीज की इस फिल्म में आमिर खान की मौजूदगी ही बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म के क्रेज को कई गुना बढ़ाती है। इस फिल्म को देखने के बाद लगता है डायरेक्टर विजय भी आमिर के जादू में कुछ ऐसे ही बन से गए हैं कि फिल्म के बाकी बचे 3 अहम किरदारों विजय दीक्षित अली और आलिया के किरदारों को उभरने का ज्यादा मौका नहीं दिया। धूम 3 आमिर खान की फिल्म है। इस फिल्म की रिकॉर्ड कामयाबी का सबसे ज्यादा फायदा बैनर और फिल्म के डायरेक्टर के बजाय आमिर खान को ही हुआ था। धूम 3 मूवी में दिखाया गया है कि अमेरिका के शिकागो में इकबाल हारून खान यानी जैकी श्रॉफ की ग्रेट इंडियन सर्कस कंपनी है। पिछले कुछ सालों से लगातार घाटे की वजह से इकबाल की सर्कस कंपनी बंद होने की कगार पर पहुंच चुकी है। कुछ साल पहले इकबाल ने शहर के जिस प्रतिष्ठित बैंक से मोटा कर्ज लिया था वह बैंक अपने कर्ज वसूलने के लिए सर्कस कंपनी को नीलाम करना चाहता है। बैंक सर्कस को नीलाम करे इससे पहले इकबाल परेशान होकर अपने बेटे साहिर खान की आंखों के सामने खुद को गोली मार लेता है। इस घटना को अब कई साल गुजर चुके हैं लेकिन आज भी साहिर अपने पापा की मौत नहीं भुला पाया है। साहिर अपने पापा की खुदकुशी के लिए बैंक और उसके आला अफसरों को जिम्मेदार मानता है। साहिर का मिशन बैंक को मोटा नुकसान पहुंचाना और इसके आला अफसरों से बदला लेना है। साहिर ने बचपन में पापा से जादू और जिम्नास्टिक की ट्रेनिंग ली थी। एक बार फिर शिकागो पहुंचकर साहिर उसी बैंक की अलग अलग शाखाओं को लूटता रहता है जिस बैंक की वजह से उसके पापा ने खुदकुशी की थी। साहिर बैंक से लूट की रकम का बड़ा हिस्सा लोगों में बांट देता है। साहिर बैंक को लूटने में पापा से सीखी ट्रिक्स का सहारा लेकर हर बार पुलिस को चकमा देता है। शिकागो की पुलिस जब साहिर को पकड़ नहीं पाती तब हार कर भारतीय पुलिस की मदद लेती है। इसकी खास वजह साहिर द्वारा हर बैंक लूटने के बाद हिंदी में एक खास मैसेज लिखा जाना है। भारत से जय दीक्षित ने अभिषेक बच्चन और अली ने उदय चोपड़ा को शिकागो भेजा जाता है। विजय के काम करने का अंदाज अलग है। विजय शिकागो आते ही साहिर को टीवी चैनलों के जरिए बैंक किसी ब्रांच को लूटने का चैलेंज देता है। साहिर इस चैलेंज के बाद खुद को जय के पास पहुंचाता है। इसी बीच जय को पता चलता है कि साहिर ही वह चोर है जिसे पकड़ने के लिए वह अली के साथ यहां आया है। आलिया ने कैटरीना कैफ साहिर के सर्कस टीम में होती है। साहिर को रंगे हाथ पकड़ने के लिए विजय दीक्षित एक प्लान बनाता है। साहिर कुछ ऐसा करता है जिसकी वजह से विजय का प्लान उसी पर भारी पड़ता है। शिकागो पुलिस और बैंक के अफसर इस केस से विजय को हटा देते हैं। आमिर खान की बात की जाए तो धूम 3 उनकी सबसे फिल्मों में से एक कही जाएगी। पूरी फिल्म में आमिर का हर बार एक नया लुक देखने को मिलता है। यकीनन आमिर ने इस फिल्म के लिए बेहद मेहनत की है जिसका रिजल्ट भी पर्दे पर दिखता है। आमिर के एक्शन स्टंट और इमोशन सीन खूब बन पड़े हैं। अभिषेक बच्चन एक बार फिर वैसे ही सपाट चेहरे के साथ नजर आए जैसा कि इस सीरीज की पिछली फिल्मों में वह दिख चुके हैं। उदय चोपड़ा की क्या बात करें, आदित्य ने उनके लिए जो कॉमिक दृश्य फिल्म में रखे उनसे ज्यादा अच्छे लगे हैं। जैकी श्रॉफ का किरदार बेशक छोटा है लेकिन उनकी एक्टिंग बेहतरीन है। विजय कृष्ण आचार्य का डायरेक्शन एक्शन रोमांच के साथ दर्शकों को कहानी के साथ पूरी तरह से बांधने में कामयाब है। टशन के बाद इस बार उन्होंने ऐसी फिल्म बनाई है जो सिंगल स्क्रीन से मल्टीप्लेक्स तक हर क्लास की कसौटी पर काफी हद तक खरी उतरने का दम रखती है। आमिर खान द्वारा अपनी बैटमैन स्टाइल से किए गए रेसर सीक्वेंस शानदार हैं, जो हॉलीवुड फिल्मों को टक्कर देते हैं। वही फिल्म की लोकेशन गजब है। प्रीतम का संगीत इस बार उनके फैंस की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। टाइटल ट्रैक धूम मचाले मलंग मलंग और कमली का फिल्मांकन गजब का है। इसका क्रेडिट संगीतकार से ज्यादा भाईबी मार्चेंट को जाता है। ऐसी फिल्में बॉलीवुड में कम ही बन पाती हैं। अगर आप आमिर खान के फैन हैं तो धूम 3 मिस ना करें। अगर आप 3 घंटे मौज मस्ती और कुछ नएपन के साथ गुजारना चाहते हैं तो आप ये फिल्म जरूर देखें। धूम 3 फिल्म में भी चोर पुलिस की कहानी दिखाई गई है, पर आमिर खान के पहली बार किसी फिल्म में चोर का रोल निभाने से इस फिल्म को नई पहचान मिल गई है। आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्मित धूम सीरीज की 3री फिल्म में आमिर, कैटरीना कैफ, अभिषेक बच्चन और उदय चोपड़ा मुख्य किरदार में हैं। धूम फिल्म में साहिर यानी आमिर खान एक चोर है जो कि जोकर के बेस में चोरी करता है। जय दीक्षित यानी अभिषेक बच्चन और उसका साथी अली अकबर यानी उदय चोपड़ा चोर को पकड़ने के लिए तमाम कोशिशें करते हैं। फिर शुरू होता है जय दीक्षित और साहिर के बीच चोर पुलिस का खेल। इस खेल में आलिया ने कैटरीना कैफ साहिर का साथ देती है। वैसे तो फिल्म धूम 3 की कहानी पुरानी ही है, पर निर्देशक विजय कृष्ण आचार्य ने इसे जिस एक्शन सीन के साथ निर्देशित किया है वो सच में तारीफ योग्य है। आमिर खान को फिट बॉडी के साथ एक्शन सीन करते हुए देखना काबिले तारीफ है।
धूम थ्री फिल्म में सिर्फ दो हीरो हैं, एक आमिर खान और दूसरा बाइक्स। इस पूरी फिल्म को सफल बनाने का भार सिर्फ और सिर्फ आमिर खान के कंधे पर ही है, और इस बात को बिल्कुल भी नकारा नहीं जा सका कि इस 2.5 घंटे तक वो इस काम के लिए पूरी कोशिश करते हैं। आमिर के अलावा फिल्म में कई बेहतरीन स्टंट भी हैं। शानदार गाड़ियों के साथ लोगों ने जो उम्मीद लगाई थी वो इस फिल्म में पूरी भी हुई है। खास बात यह है कि इस फिल्म में दिखाई गई कई बाइक्स आपने अब तक किसी बॉलीवुड फिल्म में नहीं देखी होगी। फिल्म में कई ट्विस्ट हैं और साथ ही आपको एक माइंड ब्लोइंग इंटरवल भी मिलेगा। क्लाइमैक्स आपको निराश कर सकता है और ये ऐसा है जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं की होगी। फिल्म में दिखाई गई मैजिक ट्रिक शानदार है, सर्कस के सीन काफी अपीलिंग है और हाँ, चोरी भी काफी आकर्षक है। इस फिल्म में चोरी भी ऐसी दिखाई गई है जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। हीरो का पार्ट पहले से सेट है और फिल्म में कोई लीड एक्ट्रेस नहीं है। ऐसा लगता है कि यशराज ने कैटरीना कैफ को सिर्फ 3 गानों, 3 डायलॉग्स और एक छोटे से किस के लिए ही साइन किया था। हाँ, एक बात जरूर है कि अपनी डांस परफॉर्मेंस से कैटरीना ने खुद को इंडस्ट्री का लेडी ऋतिक रोशन जरूर साबित कर दिया है। अब धूम फ्रेंचाइजी की कोई भी फिल्म हॉट गर्ल के बिना तो अधूरी है। ऐसे में कैट को लेने का कारण साफ समझ में आता है। अभिषेक बच्चन भले ही किसी छत पर खड़े होकर ये चिल्ला ले कि वो फिल्म के हीरो हैं, लेकिन असल में वह नहीं है। वो तो अपना रोल ही बहुत मुश्किल से कर पाए हैं। वैसे हाँ, फिल्म को देखने के बाद इससे पहले कि आप आमिर के लिए खड़े होकर ताली बजाएं, एक बार उदय चोपड़ा के लिए 2 मिनट का मौन जरूर रख लें। वैसे अगर इस फिल्म में तीसरा कोई हीरो या हीरोइन है तो वो VFX है, जिसके सपोर्ट से फिल्म बेहतर बनी, ना कि पुलिस वालों की वजह से। धूम 3 में कई ऐसी चीजें हैं जो लीक से हटकर फिल्माई गई हैं। आमिर के पिताजी के शराब एक जादूगर होते हैं जो द ग्रेट इंडियन सर्कस के मालिक होते हैं और सुसाइड कर लेते हैं। वो शिकागो के एक बैंक से लिया हुआ लोन वापस नहीं कर पाते हैं और उन्हें बैंक वाले धमकाते हैं कि वो उनके सर्कस को नीलाम कर देंगे। आमिर के पिता इस दबाव को सह नहीं पाते और बेटा पिता की मौत भूल नहीं पाता। इसके बाद से ही कहानी शुरू होती है कि कैसे वो बेटा एक चोर कम जादूगर बनता है और बैंक से बदला लेता है। फिल्म के आमिर के 2 डायलॉग हैं जो वाकई सुनने लायक हैं। पहला, बंदे हैं हम उसके, हम पे किसका जोर, उम्मीदों के सूरज निकले चारों ओर, इरादे हैं फौलादी हिम्मती हर कदम, अपने हाथों किस्मत लिखने आज चले हैं हम। यही वो डायलॉग है जो पूरी फिल्म को बांधे रखता है। इसके अलावा एक दूसरा डायलॉग है जो आमिर खान से कहते हैं, तुम्हारे पास 5 मिनट हैं, 1 सेकंड के लिए भी मेरी नज़र तुमसे नहीं हटनी चाहिए। अगर अभिषेक के नीरस अभिनय, उदय चोपड़ा के बेवकूफ चुटकुले, पुरानी सी स्क्रिप्ट और निराशाजनक एडिटिंग के अलावा फिल्म में कुछ है तो वो आमिर खान ही है। उनके स्टंट के समय तो आप पलके भी नहीं झपका सकते और इसका पूरा क्रेडिट आमिर को ही जाता है। अगर दर्शक हैट पहनकर फिल्म देख रहा है तो हैट्स ऑफ करके ही थिएटर से बाहर निकलेगा। वाकई ये साल आमिर खान ने धूम के साथ ही खत्म किया था। और हाँ, 3 का टाइटल भी गलत नहीं है क्योंकि आमिर की एक्टिंग इतने गुना बेहतर थी। वैसे ऋतिक रोशन के लिए भी एक सुझाव है कि क्रिश 4 के बारे में सोचने से पहले एक बार फिल्म जरूर देख ले। धूम बाइक्स और चोरी की फिल्म थी, धूम 2 चोरी डांस और रोमांस की फिल्म थी, और अब धूम 3 आमिर खान की फिल्म है। आपको ये नहीं देखने को मिलेगा कि कैसे आमिर खान ने बैंक लूटा। आप ये भी नहीं देख पाएंगे कि आमिर कैसे बैंक लूट रहे हैं। आप पूरी तरह क्लैश रहेंगे कि फिल्म में अभिषेक बच्चन और शिकागो पुलिस रहती है। आप इस फिल्म से धूम 2 के जैसे स्टंट की अपेक्षा मत करिए। अगर आप धूम 3 से हॉलीवुड जैसे एक्शन की उम्मीद पाल रहे हैं तो आप गलत हैं। फिल्म में कई ऐसी चीजें हैं जो फिल्म से बॉलीवुड पुट को दूर नहीं कर पाती, जैसे कि फिल्म में हीरोइन के लिए करने के लिए कुछ नहीं है, विलन के अलावा पूरी दुनिया परफेक्ट है, वगैरह वगैरह। बाकी फिल्म छुट्टियों के दिनों में रिलीज हुई थी, धूम फ्रेंचाइजी की है और आमिर खान ने शानदार एक्टिंग की है। ऐसे में फिल्म का चलना तो तय था। सुपर बाइक्स का क्रेज सिर्फ भारतीय राइडर्स को नहीं बल्कि हिंदुस्तानी और विदेशी फिल्मों में भी खूब देखने को मिलता है। फिल्म के हीरो को और ज्यादा स्टाइलिश दिखाने के लिए बीते दशकों में सुपर बाइक्स का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है। BMW की सुपर बाइक भी इसी सूची में शामिल है। अगर आपने आमिर खान वाली धूम 3 देखी है तो यकीनन आपको यह बाइक पसंद आई होगी, जिस पर आमिर हैरत अंगेज स्टंट करते हुए दिखते हैं। इस फिल्म के बाद भारत में भी राइडर्स के बीच इस बाइक का क्रेज और तेज हो गया। आमिर खान ने फिल्म में जिस बाइक का इस्तेमाल किया था वो BMW के 1300R मॉडल की थी। ड्यूल हैंड लैप्स वाली यह बाइक सच में काफी खूबसूरत है। BMW मोटार्ड की नेक्स्ट क्लास बाइक को साल 2009 में लॉन्च किया गया था। आपको बता दें कि इस बाइक ने कंपनी की K1200R को रिप्लेस किया था। इस सुपर बाइक में 1293cc इनलाइन 4 EFI एंटी नाक सेंसर वाला पावरफुल इंजन लगा है। यह इंजन 173 HP पावर 9020/150 RPM पर जनरेट करता है और 8020/150 RPM पर
140 NTM नॉट देता है। इसके एग्जॉस्ट सिस्टम को कुछ बटरफ्लाई स्टाइल में डिजाइन किया गया है ताकि टॉर्क को बेहतर बनाया जा सके। इस बाइक में 6 स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है। इस बाइक में 17 इंच के टायर्स का इस्तेमाल किया गया है। अगर स्पीड की बात करें तो धूम 3 में इस बाइक की जितनी तेज स्पीड बताई गई है उतनी ही है। BMW के 1300R की टॉप स्पीड 260 किलोमीटर पर घंटे के करीब है। रफ्तार का अंदाजा केवल इस बात से लगाया जा सकता है कि इस बाइक को 0 टू 100 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार पहुंचने में केवल 2.81 सेकंड लगते हैं। इस बाइक में 19 लीटर का पेट्रोल टैंक है जिसकी रिजर्व कैपेसिटी 4 लीटर है। माइलेज 17 किलोमीटर पर लीटर का है। एक बार टैंक फुल करने पर यह बाइक 320 किलोमीटर का सफर तय करने में सक्षम है। इस बाइक की कीमत 25 लाख रुपए है। फिलहाल BMW की यह सुपर बाइक मार्केट में नहीं है। इसे साल 2015 में डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। यह बाइक कंपनी की सबसे पावरफुल वाली बाइक कही जा सकती है। इस सुपर बाइक को S1000R से रिप्लेस किया गया है। इसकी कीमत 2283 लाख रुपए है। S100R को धूम 3 में ही जय दीक्षित बने अभिषेक बच्चन और अली और उदय चोपड़ा को राइड करते हुए दिखाया गया था। धूम सीरीज की महत्वपूर्ण कड़ी है जय और अली। इस बार वे चोर को पकड़ने के लिए शिकागो जाते हैं। चूक चोर चोरी करने के बाद हिंदी में संदेश छोड़ता है, बैंक वालों तेरी ऐसी की तैसी। शायद इसलिए भारत से जय और अली को उन्हें पकड़ने के लिए बुलाया जाता है। मजेदार तथ्य कि विशेष दायित्व निभाते समय चोर को पकड़ने में असफल रहते हैं, फिर बाकी हिंदी फिल्मों की तरह दायित्व से मुक्त होने के बाद उनका दिमाग तेज चलता है और वे चोर को घेर लेते हैं, लेकिन इस बार भी चोर उन्हें चकमा देकर निकल जाता है। जय और अली के रूप में अभिषेक बच्चन और उदय चोपड़ा हैं। तारीफ करनी होगी कि पहली धूम से लेकर अभी तक उनकी समान रूपता बनी हुई है, वो जरा भी नहीं बदले हैं। धूम सीरीज में चोर को ज्यादा स्मार्ट और रोचक बनाने के लिए उनको भोंदू दिखना जरूरी होता है। इस बार स्मार्ट चोर आमिर खान है। जॉन अब्राहम और ऋतिक रोशन के बाद धूम 3 में आए आमिर खान को छबीली कैटरीना कैफ का साथ मिला है। दोनों के बीच स्टेज पर केमिस्ट्री दिखती है, खासकर डांस और सर्कस के करतबों में उनकी जोड़ी प्रभावशाली है। करतब और डांस में निर्देशक और संबंधित तकनीशियों ने भी काफी मेहनत की है। आमिर खान और कैटरीना कैफ भी अपनी तरफ से कसर नहीं रहने देते। इसके अलावा आमिर खान की हैरतअंगेज बाइक ड्राइविंग है। बाइक और चेस धूम सीरीज का खास बात है। धूम 3 में भी इनका भरपूर इस्तेमाल हुआ है। मुख्य रूप से 3 चेज हैं जिनमें हमेशा की तरह चोर कामयाब रहता है। चोर बने शहर के पास अत्याधुनिक बाइक है जो हवा में कुलाचे भरती है और जरूरत पड़ने पर मोटर बोट भी बन जाती है। धूम 3 तकनीकी स्तर पर प्रभावित करती है। एक्शन भी जोरदार है। लंबे समय के बाद आमिर खान एक्शन दृश्यों में नजर आए हैं। जॉन अब्राहम और ऋतिक रोशन की तरह उन्हें भी बेहद दृष्ट देखनी पड़ी है। आमिर खान ने मेहनत की है लेकिन उनके पास उनके जैसा आकर्षक शरीर सुष्ठो नहीं है। इमोशनल दृश्यों को आमिर खान अच्छी तरह निभा ले जाते हैं। कैटरीना कैफ की चपलता आकर्षक है। उनके डांस में स्फूर्ति गति और लयात्मकता है, उनसे नजर नहीं हटती। भाव प्रदर्शन और संवाद अदायगी में वह पिछड़ जाती है। धूम 3 में भी यही हुआ है। जब तक वह डांस और करतब करती हैं तब तक बहुत प्रभावशाली लगती है, बाकी दृश्यों में वह आमिर खान का साथ नहीं दे पाती हैं। वैसे लेखक निर्देशक ने कम नाटकीय दृश्य लेकर उनकी कमी छिपाने की अच्छी कोशिश की है। विजय कृष्ण